लता दरवाजा खोलो। लता दरवाजा खोलो ना, मैं हूं। खोलो इसे। हम भागकर कहां जाएगा? इसका मर्डर करके भागने की कोशिश कर रहा था। ले चलो इसे। जीप में डालो। चल लता। सुरेश भाई बोलिए, आप लास्ट मिनट रिलीज कैसे डिले कर सकते हैं? मैं तो सपना देख रहा था धमाकेदार ओपनिंग का। दूसरी फिल्म का काम भी छोड़ा इसके चक्कर में। अरे हर वक्त बस बहाने बनाते रहते हैं। उफ। चरण रज ताली देवादा साविसावा। आज साईं बाबा का कॉल शीट है। भक्ता विसावा आरती साईं बाबा सौख्यदा तार जीवा चरण रज ताली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग पापा। कॉलेज जाना है ना? ये लो तुम्हारी कॉफी। रात को नींद अच्छे से आई ना? अच्छे से आई पापा। अरे ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा ना। लगता है आज हैंगर टाइम से उतर गया है। हैंगर नहीं होता है, हैंगओवर। मतलब समझ गए ना, पहले तो शराब की ही लत थी और जब से आपने ये थिएटर खोला है ना, बस 24 घंटे घर से गायब रहते हो। देखो मुझे जो कहना है कह लो, मेरे थिएटर को कुछ मत कहना। कहूँगी और क्यों ना कहूँ। 5 एकड़ की जमीन 2 हिस्सों में बेच दी। रोड के पास इतनी बढ़िया जमीन थी, उसे भी बेच दिया। मैं मना भी कर रही थी पर नहीं। अरे कितना बढ़िया थिएटर है, इतनी अच्छी इनकम हो रही है। इंस्टॉलमेंट के बाद भी इतना फायदा होता है। कौन सा फायदा बोलो ना, कहाँ है तुम्हारा फायदा? कौवा उड़ा के ले गया, कहानी ले गई। फिल्म बनाना मेरा सपना है, मेरा पैशन है, एम्बिशन है। ये मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैंने अपनी लिखी कहानी राइटर को सुनाई थी और उसने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी। हमने एक अलग ही कॉन्सेप्ट तैयार किया है। पहले तो उन महान हस्तियों की वीडियो देखना बंद करो, सब के सब झूठे हैं। तुम भी उन फिल्मी लोगों की भाषा बोलने लगे हो। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मुझे सब क्लैरिटी है ज्योति। आहा, महाज्ञानी, ऐसा समझदार ज्ञानी मेरे ही गले में पड़ना था क्या? अब हिसाब का ज्ञान भी दे दो जरा। अच्छा बताओ, कितना उड़ा के आए हो? राइटर को एडवांस दिया, आने जाने का, कार का खर्चा, रहने का मिला और पीने का, सब मिला के 18 कुछ हजार। शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ क्या? 18 लाख। 18 लाख खर्च कर दिए? जब मैंने तुमसे 1000 रुपए मांगे नौकरानी के लिए, तब तुमने 1000 बहाने बनाए थे। अब तो मैं अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। फिल्म बनने के बाद तो दूसरों के घरों में भी काम करना पड़ेगा। ना मुझसे नहीं होगा। मुझे वो 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए चाहिए? किस लिए? मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरा भी फैशन है। फैशन नहीं, पैशन। पैशन, हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना। देती है कि नहीं? अरे रे, देखो ना वो सरिता को आज फिर से पीट रहा है। तुम जाके रोको ना। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। पी के कुछ भी बकता रहता है। सरिता के बारे में सोचो ना, एक वही तो है जिसके सहारे मेरा वक्त बीतता है। जब अंजू को दौरा पड़ा था, अगर वो ना होती तो क्या होता? मेरी खातिर चले जाओ, जाओ ना। अरे यार तुम भी, तेरी तो अपने मर्द को पीने से रोकती है। सरिता काकी इस शराबी को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? पीछा छूट जाता है। के लिए पैसा निकाल, नहीं तो गला घोट दूंगा। संजय, पीछा सरिता क्यों तमाशा कर रही है? इसे पीने के लिए पैसे नहीं दिए ना। ओए, पीनी है तो अपने पैसे के जाके पी। मेहनत से पैसे कमाता हूँ। तेरे से तेरी जमीन खरीद के आलीशान मकान बनवाया। ये देख, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जोरू। मेरी बीवी को बचा के उसे पटाएगा। क्या करेगा बे? मारेगा, जान से मारेगा। हाँ मारना। आजा, मेरे को वो छोकरा समझाया क्या जिसको 2 साल पहले मारा था तूने? मैं इतनी आराम से नहीं मरेगा, मैं झुकेगा नहीं। इतना पैसा ये कहाँ से लाया सरिता? किसी की जमीन बिकवा के दलाली का पैसा लाया था। उस दिन से दिन रात पी रहा है। अरे वाह, मेरे से चिल्ला के बात करती है और तेरे से खुसफुसा के बात कर रही है। तू मेरे घर में दखल देगा ना तो मैं तेरे घर में। शर्म नहीं आती तुझे? ले मर, शराब में डूब के मर जा। कौवे का इंतजाम तो हो गया। आते रहना बाबू, तुम्हारा ही घर है। मेरी फूटी किस्मत, ये नहीं सुधरेगा। पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? पुलिस स्टेशन जाके भी ये नहीं रुकने वाला। हाँ पर कम से कम तमाशा तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरिता। नहीं दीदी, पुलिस उसे मारेगी तो घर आकर मुझ पर ही गुस्सा निकालेगा। मारेगी नहीं, वार्निंग देकर छोड़ देगी। ठीक, तुम्हारी मर्जी। बस रो मत सरिता, सब ठीक हो जाएगा। शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। किस बारे में दीदी? वो मैं शाम को बताऊंगी, अब रोना मत। ठीक है दीदी। क्या पापा? अच्छा चल बस कर, कितने हाथ घिसेगी अब। थोड़ी देर पहले अनु का फोन आया था, कह रही थी शाम को घर आ रही है। पर आज तो फ्राइडे है, स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, पापा की याद आ रही होगी। उसे कहा क्यों नहीं शनिवार को है? जैसे मेरी बात तो मान ही लेती है, जैसा बाप वैसी बेटी। कुछ कहकर देखो, अंग्रेजी में फटफट जुबान चलती है उसकी। सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसे। अगर तुम्हें समझ में आने लगा तो फीस बर्बाद। ओए चंटी, हाँ इसके केस का क्या हुआ? अरे होना क्या था, वो लोग अब तक बॉडी को ढूंढ नहीं पाए ना, और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। पर इतनी जल्दी हाथ कैसे खड़े कर दिए? मरते क्या ना करते, सारी मीडिया इकट्ठी हो गई थी, कैमरे लग गए थे और पूरा गांव भी तो इकट्ठा हो गया था। पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी बदनामी हुई कि तुम पूछो ही मत। राम बाबू तो बहुत खतरनाक निकला, हमें तो एकदम सीधा साधा लग रहा था। सही कह रहे हो। और वीरभद्र के साथ क्या हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ, उसी के लायक था वो। सही बात है। उस लड़के के माँ बाप भी तो उन दिनों अमेरिका चले गए थे, फिर कोई क्यों सोचेगा। सही कहा। पर पुलिस की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। सही बोला। राम बाबू ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा उनके लिए। वीरभद्र भी तो नौकरी से हाथ धो बैठा। वो तो था ही हरामी, अच्छा वो नौकरी चली गई। सही कहा। गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये है सीसीटीवी टेक्नीशियन। नमस्ते सर। काम कैसा चल रहा है? सर मैंने 2 कैमरे लगा दिए, एक वहाँ पर और एक बाहर की तरफ। और थिएटर में? थिएटर वाला कल लग जाएगा सर। ओके। आपके फोन में भी इंस्टॉल कर देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट सर। केबल कलेक्शन कितना हुआ? 14,000 भैया। बस 14,000? रोज जाता हूँ भैया, लेकिन कोई पैसे ही नहीं देता। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है भैया। क्यों रे? हाँ। सुना है कि वो जो लड़का मरा था उसको मारने में राम बाबू की बेटी का हाथ है। दोनों का प्यार का चक्कर था, यही सुना था। वो लड़का शहर से उस रात उस लड़की को मिलने ही तो आया था। क्या कह रहा है? हाँ, दोनों जब चुम्मा चाटी कर रहे थे तो राम बाबू ने देख लिया। फिर क्या, उसने गुस्से में आके उस लड़के को मार डाला। हाँ। और बॉडी को कहीं छुपा दिया। लड़की जवान थी, शादी लायक थी। अब शादी नहीं करवाएंगे तो यही सब तो होगा ना, क्या कहते हो? सच में? हाँ, वो कई लड़कों के साथ घूमती थी, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, ये सारी बातें राम बाबू पहले से जानते थे, इसलिए मौका मिलते काम तमाम। मैंने तो कुछ और ही सुना है। हाँ? वो लड़की के पीछे नहीं, उसकी माँ के पीछे पड़ा था। क्या कह रहा है? ये लो बाके भाई आपका सामान। आपने क्यों तकलीफ की राम बाबू? आपके लड़कों की बस छूट गई थी, बस इसीलिए ले आया। मुझे फोन कर देते, लड़का भिजवा देता। अच्छा है ना, इसी बहाने मिल लिया। चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? आज सिनेमा हॉल का पहला शो है। फिर अदरक वाली चाय बनाओ भैया। नहीं रघु, बाद में पीऊंगा। अच्छा मागे भाई। हाँ ठीक है। नमस्ते राम बाबू। कल हमारे हीरो की फिल्म लगने वाली है, 2 टिकट मिलेंगी क्या? फिल्म पोस्टपोन हो गई है, जब रिलीज होगी दे दूंगा। थैंक यू राम बाबू। राम बाबू आप देवता आदमी हैं, जो भी आपसे मांगो आप दे देते हैं। हाँ राम बाबू आप बहुत आगे जाओगे। अच्छा अच्छा। 15,000 दूंगा भैया। 15 तो बहुत कम है। इंसाफ का जमाना चला गया, आजकल खूनी लोग राजा की तरह जी रहे हैं। ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर देख लेना, पाप का घड़ा भरेगा तब पता लगेगा। बहुत बढ़िया सर। वक्त तेजी से बदल रहा है तो हमें भी इसके साथ चलना पड़ेगा। हमें भी बदलना पड़ेगा। हाँ? हम भी पहले जैसे नहीं चल सकते ना सर। सब चालाकी समझ रहा हूँ मैं। अच्छा ये फिल्म पूरे हफ्ते चला सकते हैं? टिकट तो 3 दिन तक ही बिकी है सर। सर कोई आया है, वो कहता है कि आपको जानता है। कौन है? पता नहीं सर। चेक करो मंडे के लिए कोई नई मूवी है क्या, नहीं तो यही चलानी पड़ेगी। मैं भाई साहब जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। ओके। ये तुम्हारा थिएटर है? हाँ। बहुत अच्छा है। अमेरिका से हफ्ता पहले ही लौटे थे। वो वरुण की बरसी है ना, लास्ट ईयर भी आए थे। वैसे तो हर साल आते हैं। पूजा पाठ बहुत कर लिया पर शांति नहीं मिली। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम क्रिया और अस्थि विसर्जन करना जरूरी है ना। हमारा घर एकदम सूना हो गया है, स्मशान की तरह। वरुण तो अब नहीं आएगा, लेकिन डरता हूं कहीं अपनी पत्नी गीता को ना खो दूं। बस यही डर रहता है। इसीलिए हम वो स्वामी जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक क्रियाकर्म नहीं होता आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन गीता की तसल्ली के लिए यह सब कर रहा हूं। राम बाबू मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मुझे बस वरुण की अस्थियां लौटा दीजिए। मैं किसी को बिना बताए ले जाऊंगा। प्रॉमिस, गीता को भी नहीं बताऊंगा। उसने गलती की थी ना, मैं मानता हूं, पर उसकी सिर्फ एक गलती के लिए हमें हमें उम्र भर की सजा दे रहे हो तुम। राम बाबू प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पर। सर क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, बात आप पर भरोसे की नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके यहां तो 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है, पर मेरे यहां 4 की जिंदगी दांव पर है। प्लीज अब दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा। हमें उस काले साए में फिर से मत ठकेलिए प्लीज। मैं जानती थी प्रभा कि तुम्हारे आंसू उसे नहीं पिघला पाएंगे। जब मैं पुलिस ऑफिसर थी तो मैंने बहुत सी बेनाम बॉडीज की अंतिम क्रिया करवाई है, पर मेरे अपने बेटे की अंतिम क्रिया नहीं करवा पाए। आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाए। मैं उसे मार डालूंगी। शांत 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 हो जाओ। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभा? मेरा बेटा कहाँ मरा मुझे नहीं पता, वो कैसे मरा ये नहीं पता, और ना ही ये कि उसे दफनाया या जला दिया। उसका कातिल मेरी आंखों के सामने है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लानत है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभा। मेरी आंखों से निकले हर आंसू का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। तुम्हें उसका ध्यान रखना था। मैथ्स असाइनमेंट सबमिट करने की कल लास्ट डेट है ना? हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के कंप्लीट करें। हाँ डन। अरे तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हुआ? नहीं हुआ। हे अनु, मुझे वो चाहिए। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ। बाय। कब? 3 डेज हॉलीडे लिए कब प्लान किया? प्लान नहीं था, मम्मी ने कहा आ जाओ तो जा रही हूँ। मैं भी चलूँ क्या साथ में? और मम्मी को क्या कहूँगी? क्लासमेट हूँ बोल देना। लड़कों से बात करने से ही मम्मी को टेंशन हो जाती है। तुम्हें घर ले जाऊंगी तो मैं गई काम से। तुम्हारी मम्मी हिटलर क्यों बन जाती हैं? मुझे तो बस तुम्हारा घर देखना है और तुम्हारी फैमिली से मिलना है, दैट्स ऑल। तुम्हें पता है ना मेरी बहन के साथ जो हुआ, उसके बाद मम्मी डर गई हैं। पर तुम्हारी बहन की तो गलती नहीं थी, फिर क्यों? हाँ रोहित, इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? ओह आप हैं, आइए आइए। आप दिल्ली से कब लौटी? बस 2 दिन हुए हैं। पापा स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, प्लीज कम। शूटिंग कब से स्टार्ट करनी है? सर प्लीज आप नाराज मत होना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। लास्ट टाइम वाला क्लाइमैक्स चेंज करना है। पर क्यों? मैंने कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया था और आप ही की तरह उन्हें भी थोड़ा रिस्की लगा। ये उनका ओपिनियन है। तो फिर क्लाइमैक्स क्या पहले वाला ही रखना है? नहीं सर, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने जो जिंदगी से सीखा है और जो फिल्मों में देखा है उसे मिलाकर एक स्टोरी लिखी। फिल्म बनाना मेरा बचपन का सपना है सर। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो फिल्म हर तरह की ऑडियंस को अच्छी लगे। फिलहाल हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं सर। कॉफी लीजिए राम बाबू। राइटर होने के नाते प्रोड्यूसर से ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या? आपके सीन्स रियल तो हैं ही, एट द सेम टाइम ब्रह्मांड का ड्रामा रच दिया है आपने। थैंक यू सर। हाँ माँ, मुझे तो लगता है अंजू शादी के बाद ही अच्छा महसूस करेगी। अंजू का घर से निकलना बहुत जरूरी है। जमाई बाबू का क्या कहना है? उनके पास टाइम होगा तब तो सोचेंगे ना। मैंने इसके बारे में सरिता से बात की, उसने किसी बाबा से बात की है। उसने कहा कि हमें अंजू की कुंडली उन बाबा को जाकर दिखानी पड़ेगी। हाँ दिखा दो। आपसे बाद में बात करती हूँ सरिता। हाँ दीदी, आज इतना टाइम कहाँ लगा दिया? मेरी रोज वाली बस आज बहुत लेट हो गई दीदी, इसलिए देर हो गई। बस 1 मिनट रुकिए, हाथ मुंह धोकर आई। ए, तेरे को कितनी बार समझाए इन लोगों के साथ मत घुमा कर, समझ नहीं आता? मैंने भी तो कितनी बार तुझे पीने के लिए मना किया है, तुझे समझ में नहीं आता? देख रहा हूँ तेरी चाल ढाल देख रहा हूँ, चहकना बंद कर नहीं तो हाथ पैर तोड़ के जला डालूंगा। ए हट, दारूडिया कहीं का। ए दारूडिया किसको बोली रे? दीदी ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाके इससे शादी की थी, देखिए इस गलती की सजा कितनी भारी पड़ रही है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अब देखो ना ये भी रोज पीकर ही घर आते हैं। अरे दीदी संजय के आगे सब फीके हैं, टंकी के टंकी दारू पी जाता है, राम बाबू तो बस 1% है। थोड़ी थोड़ी करके ही ना ये आदत लत में बदल जाती है। थोड़ी पीते हो या ज्यादा पीते हो, भैया समझदार हैं। अच्छा दीदी आपको मुझे कुछ बताना था ना, क्या बात है बोलिए ना। हाँ सरिता, तो मंजू के रिश्ते के लिए किसी बाबा को कुंडली दिखाने वाली थी ना, वही बात करनी थी। मैंने उसी दिन उनसे बात की थी, वो आज शाम तक आएंगे। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी दीदी। जन्म दुख, कर्म दुख, पाप दुख, पुनः पुनः। बहुत बड़ा पाप हुआ है तुम लोगों से। वो आत्मा पाप बनकर फिर से तुम लोगों का सुख छीन रहा है। मेरी दीदी को शांति नहीं मिल रही है। वो तो किसी को नहीं मिलेगी। बच्ची के 8वें स्थान में शनि दोष है, जिसकी वजह से मानसिक समस्या है, रोग मुक्त नहीं हो पाएगी, जीवन भर संकट रहेगा, प्राण संकट भी रहेगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, हमें इस संकट से मुक्ति दिलवाइए। मन से पाप का बोझ उतारना पड़ेगा, ईश्वर के सामने स्वीकार करो, मन शांत हो जाएगा। अगली बार बच्ची को साथ लेकर आना, शनि की शांति का उपाय है। जति आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, सुबह आता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप, रात भर हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे सरिता है ना, उसे बुला लो आज रात के लिए। आपका तो हर बार का यही नाटक हो गया, कहीं पीने बैठे हैं ना आप? ये विनय सर है ना, माने ही नहीं, कहते हैं पीना पड़ेगा। रात को कहाँ रुकोगे? मैं वो होटल में रुक जाऊंगा। अनु घर आ गई क्या? हाँ आ गई तुम्हारी लाडली, जब से आई है टीवी के सामने चिपकी हुई है, ना पढ़ाई ना कोई और काम, दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। ठीक है घर आके उससे बात कर लो। ठीक है। ये फिल्म आप प्रोड्यूस करोगे भैया? ए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? आप पे पूरा भरोसा है भैया, पर ये फिल्म वालों पर नहीं है। अगर आप लेट करोगे और उस राइटर ने स्टोरी चुरा के किसी और के साथ फिल्म बना ले तो? इस राम बाबू की स्टोरी पूरी दुनिया में कोई नहीं चुरा सकता है। कॉपीराइट मतलब ये कॉपी अगर किसी और के नाम पे प्रिंट हो गई तो हमें कॉपीराइट मिलेगा, इसलिए मैंने इसे नॉवल की तरह प्रिंट करवाया। रिस्क है भैया, लोगों ने नॉवेल पढ़ ली तो वो फिल्म देखने क्यों आएंगे? अरे ये कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, क्यूट फैमिली स्टोरी है, इनकी ज्यादा कॉपी नहीं छपती, हमने बस थोड़ी सी मार्केट में रिलीज की है। भैया एक नंबर के चालू बहुत हो गई तेरी थाई मसाज। अरे सुन, मैंने तुझे एक काम बोला था, आपने पार्टनर ढूंढने के लिए कहा था। अमेरिका का एक बंदा मिला है भैया, बात चल रही है। ठीक है मैं भी निकलता हूँ। तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, प्रोड्यूसर के लिए आए थे? ठीक है, घर जाओगे क्या? नहीं रे, होटल। एक फ्रेंड की फिल्म की शूटिंग चल रही है, वो होटल में पूरी रात एडिटिंग करने वाला है। मैं देखूंगा और सीखूंगा। तुमको क्यों सीखना है भैया? अरे जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो सब कुछ सीखो, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। तो फिल्म डायरेक्शन भी सीख लो ना भैया, डायरेक्शन का भी पैसा बच जाएगा। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बाय राम बाबू। हाँ सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, एक बार फिर बोलो ना। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बाय राम बाबू। पहले फिल्म में रहने देते हैं, सेकंड में ट्राई करेंगे। सही है भैया, बेस्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ भैया, अगली बार आओगे तो मेरे रूम पर ही बैठेंगे। हाँ ध्यान से चलाना भैया। ओके। रिटन, प्रोड्यूस्ड and directed by Ram Babu. सरिता, संजय घर पर ना हो तो तुम्हें अकेले सोने में डर तो नहीं लगता? शुरू में तो बहुत लगता था दीदी, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। वैसे भी जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना होना दीदी, तो डर नहीं लगता। मेरे हस्बैंड को भी पहले केबल ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। बच्चे और मैं रात भर अकेले रहते थे, लेकिन अब ये घर पर ना हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब उस हादसे के बाद ना दीदी? दीदी, पंडित जी ने जो कहा उसके बारे में सोचा है क्या? अभी तक मैंने इनसे बात नहीं की। और तुम अंजू के बारे में लड़के वालों से बात करने वाली थी ना, बात हुई क्या? वो दीदी, अंजू के लिए कोई और अच्छा लड़का देखेंगे। वो तो अंजू के पैर की जूती बराबर भी नहीं है। पहले तुमने ही कहा था कि लड़का अच्छा है, और अंजू की फोटो भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। दीदी कोई बात नहीं सरिता, जो भी बात है बता दो। शायद उन्होंने कहीं से पूछताछ की होगी। तो क्या? बताओ ना दीदी, मुझे यहाँ आई 2 साल हो गए हैं। आप तो जानती हैं मैं बस आप लोगों से बात करती हूँ, कहीं जाती भी हूँ तो सिर्फ आपके साथ। और मैंने भी तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, तो इतना झिझक क्यों रही हो? बताओ ना क्या बात है। लोग बोलते हैं कि वो लड़का अमीर था, तो अंजू ने उस लड़के से नाजायज संबंध बनाया था, और उस रात राम बाबू ने उन्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया था, तो फिर गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के को जान से मार डाला। वो लड़का बेकसूर था, पर अंजू ने ही उसे रात को वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। अंजू पवित्र है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वैशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। दीदी मत रोइए, बस इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। जो लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा कह रहे हैं उन्हें शर्मानी चाहिए। क्यों, उनकी अपनी बेटियां नहीं है? दीदी अगर लोगों की अनाप शनाप बातों को दिल पर लेने लगे तो जिएंगे कैसे? शांत हो जाइए, मैं अंजू के लिए और भी अच्छा रिश्ता देखूंगी, सब ठीक हो जाएगा दीदी। भैया, ज्योति जाग गई क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले ही। ये चोट कैसे लगी? संजय, तुम जैसी बीवियां ही उन्हें माफ करके अपने सर पर बैठा लेती हैं। मेरी मानो तो जाके उसकी कंप्लेन करो, बाकी पुलिस खुद देख लेगी। अब तुम जाओगी या मैं जाऊं? पता नहीं पुलिस वाले उसे कितना बुरा मारेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। ठीक लोग है। कॉफी बना दूं? नहीं, दूध ले आओ। ओह, हैंगओवर उतरा नहीं? अब तक मुंह से खुशबू आ रही है। पापा, अनु, ये कैसे कपड़े पहने? जाओ जाके बदल के आओ। गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। कब आई? कल आई, शाम को। मैंने कहा ना जाके कपड़े बदलो। घर में ही तो हूँ, सिर्फ हम ही तो हैं यहाँ। ये नाइट ड्रेस है, इसे सिर्फ नाइट में ही पहनते हैं। मम्मा, सब लोग घर में यही कपड़े पहनते हैं। इस घर में नहीं पहनते, ये एक गांव है, सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है, जाके बदलो। ओ अच्छा, पहले कहा समय के साथ नहीं चले तो डेवलप नहीं होंगे, और अब कह रही हो डेवलप होने के बाद बदलोगी? मैं कंफ्यूज हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हो। सल्यूट है मम्मा। आई एम सॉरी। क्या बड़बड़ा रही है? चुपचाप कपड़े बदलो। पापा प्लीज। जा बेटा, चेंज कर ले। You are always ready to irritate me. This is too much, mama. देखा आपने इसे? ए, इंग्लिश में क्या बड़बड़ाई? जरा फिर से बोल। फिर से बोलेगी तो भी समझ में नहीं आएगा। सेंट जोसेफ इंग्लिश। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ और मैं? ये क्या अपने लिए सांबर लेकर आई? ज्यादा ले आती तो हम सब भी खा लेते ना। आपने बोला थोड़ी, तुमने कौन सा पूछा हमें? मम्मा आपको सांभर चाहिए? मैं ले आती हूँ। नहीं, रहने दो। आपको चाहिए पापा? नहीं बेटा। तो क्या प्रॉब्लम है? सुनिए जी, ये फिल्म बनाना जरूरी है क्या? जरा अंजू के बारे में भी सोचिए ना। मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। अभी नहीं बेटा, पर देखना शुरू करेंगे तभी 2-3 साल में बात बनेगी ना। पापा, ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आप उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचिए। तू टेंशन मत ले बेटा, अच्छे से पढ़, फिर मनचाही जॉब कर, शादी भी तेरी मर्जी से होगी। मेरी बात तो सुनिए। इस बारे में मैं तुमसे आराम से बात करूंगा। पापा, हमारी फिल्म का हीरो कौन है? अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। विजय देवरकोंडा को कास्ट करना, उसका लिप लॉक सीन ना सुपर हिट होगा। ए, चुप कर। इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं होगी। सोनिया जी, मैंने जिस बारे में बात की, जरा उस बारे में आप सोचिए। किस बारे में? अंजू की शादी के बारे में। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई? पता है लोग उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं पता। तुम्हें पता है? पता है। राम बाबू के केस का क्या हुआ सर? अरे होना क्या है, वो बहुत चालाक है, पुलिस वालों को पिछले 6 साल से बेवकूफ बना रहा है। केस बंद हो गया क्या सर? बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो केस बंद ही समझो। सही कहा ना सर? तुम्हें क्या लेना देना, इतना शौक चढ़ा है तो खुद ही केस सॉल्व कर लो। बाकी भाई, एक चाय बोलो तो। तुम पुलिस के सामने ये सब बातें क्यों करते हो? हम तो बस मजे लेते रहते हैं। राम बाबू के हम फैन हैं। अरे आपको नहीं पता क्या, वो हमारे गांव का सुपरस्टार है, सुपरस्टार। अपने आप को कोसता हूँ जो तुम लोगों को बताया। मूर्ख गधे कहीं के। पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी है। कल रात ही मोहन से मिलकर आए हैं। कौन मोहन? अरे वही, राम बाबू का केबल ऑफिस था ना, उसमें वो काम करता था। हाँ, वो जो भाग गया था। हाँ वही। पुलिस उसके घर गई थी राम बाबू की इंक्वायरी करने। पर क्यों? बताया तो कुछ नहीं उन्होंने, पर कह रहे थे केस अभी बंद नहीं हुआ है। सोमन्ना सच बोल रहा था। पुलिस पूछ रही थी 4-5 महीने पहले राम बाबू को किसी संदिग्ध हालत में किसी ने देखा है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वगैरह वगैरह 500 सवाल। अच्छा, ये पुलिस राम बाबू का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राम बाबू तो गाँव का हीरो बन गया है। ओए, राम बाबू निर्दोष है, इसीलिए पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कद्दू निर्दोष है वो, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, खूनी है वो। काका। अरे तू ठीक हो ना काका? अरे जनार्दन, कब आया? सजा पूरी हो गई? अच्छा बर्ताव किया ना तो मेरी सजा कम हो गई, सीधे यहीं आ रहा हूँ। चाय पियोगे? हाँ पियूंगा ना। ए रघु। जी साहब। बेटा चाय ला। साहब। अरे इनाम मिलेगा, गवाही देने जो भी आएगा उसे इनाम मिलेगा। ये तो बताए इनाम कौन देगा? लड़के के माँ बाप देंगे, सरकार देगी, और कौन देगा? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं काका? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है रे यहाँ पे? जिसका टाइम आता है उसको कोई नहीं बचा सकता है। मेरा बेटा और धोनी वाले खाएगा ना? हाँ ले खा। हाँ। माँ। कार्तिक। जना कैसा है रे तू? कितना दुबला हो गया है बाबू। कार्तिक, ये देख तेरे पापा। इधर आ बेटा। ए, चल अंदर। ए, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? लता, मैं नशे में तुमने मेरे भाई को मार दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस घर में किसे मारने आए हो तुम? लता, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, पता नहीं कैसे, पर उस वक्त हो गई मुझसे गलती। गलती तुम्हारी नहीं थी जनार्दन, मेरी थी। तुम जैसे इंसान से मैंने शादी की, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। एक और गलती मैं नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी परछाई तक भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बेटी लता। नहीं माँ। इन 6 सालों में इसने अकेले बहुत दुख झेला है, उसे गलत मत समझना तू। तुम जरा जाकर उसे समझाओ ना माँ, क्या समझाऊं उसे? अरे उसका दिल तो सोने का है जो उसने मुझे यहाँ रहने दिया। तूने तो उसके भाई का खून कर दिया। क्या मैंने वो सब कुछ जानबूझकर किया? बोलो ना माँ, उन्होंने मुझे दहेज देने का वादा किया था, पर जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो वो मुकर गए। इसका सबसे छोटा भाई बकवास करने लगा तो गुस्से में मेरे भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बीती बातें क्यों याद करना? अगर वो तुझे अपना भी ले तो तू उसका पेट कैसे भरेगा? हाँ सुन बेटा, जा जाकर पहले कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी लग जाएगी फिर मैं खुद उससे बात करूंगी। पापा कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ बेटा, मुझे कुछ पूछना था। सुनिए जी, फोन भूल गए थे। हाँ पूछो ना। मम्मा आप अंदर जाओ, आपके सामने नहीं पूछना। मेरे सामने क्यों नहीं पूछ सकती? अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। मम्मी को यहीं रहने दो। अनु पूछो। रहने दो, नहीं पूछना। अंजू ऐसी क्या बात है? अनु पूछ लो ना। नहीं, मम्मा पक्का झगड़ा करेगी। हाँ जरूर कोई बेतुकी बात करनी होगी। बोल ना अनु, मुझे जाना है। पूछ लो अनु, वैसे भी मम्मा से पूछे बगैर पापा कोई डिसीजन थोड़ी लेते हैं। हाँ अब पूछो। पापा नेक्स्ट वीक मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर स्लीपओवर का प्लान किया है। स्लीपओवर? इसका क्या मतलब? मतलब सब लोग इकट्ठे होकर एक फ्रेंड के घर पर नाइट स्टे करते हैं। मुझे पता था ऐसी ही कोई बेकार की डिमांड रखेगी। ये स्लीप अब कहीं नहीं जाना है पापा, मैं अकेली नहीं होंगी, वहाँ सारे फ्रेंड्स होंगे। अब किसके घर पे रुकने का प्लान कर रहे हो? अब रेशमा के घर। वो कहाँ रहती? पास ही में नरी मरला में। रेशमा के पापा क्या करते हैं? बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और कितने दोस्त रहेंगे वहाँ? 7-8 फ्रेंड्स होंगे। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं। और तुम सब लोग क्या करोगे? गेम्स खेलेंगे, कुकिंग करेंगे, अंताक्षरी, तंबोला वगैरह वगैरह। मतलब चिल करेंगे पापा, समझो घर पर ही पिकनिक। और उसके मम्मी पापा? वो भी घर पर रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हेल्प करेंगे। इस लड़की का कोई भाई भी है? हाँ हुआ तो। कितने साल का है? पापा जाने दो ना प्लीज, दोबारा नहीं कहूँगी। एक काम करो, उन्हें अपने घर बुला लो। कैसा लगा आइडिया? सुपर। क्या हुआ? थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अपने पापा को क्या समझावा तुमने? सिनेमा थिएटर का ओनर हूँ और होने वाला प्रोड्यूसर। पर थिएटर हमारा नहीं है, बैंक का है। और फिल्म कब बनेगी भगवान ही जाने। इतने लोगों का खाना मैं नहीं बनाने वाली। बच्चे खाना बना तो रहे हैं, बेकार ही परेशान होती हो तुम। बस छुट्टी एंजॉय करो। ये सारे बच्चे अमीर खानदान से हैं, हमारे घर में कैसे रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये घर ताजमहल जैसा है। कितने सालों से कह रही हूँ घर को रिपेयर करवा लो। अरे यार तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। नहीं पापा, मम्मा की बातों में पॉइंट तो है, वो सब बड़े घरों में रहने वाले हैं। अनु ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुमसे तुम्हारा घर देख के दोस्ती करे वो तुम्हारा दोस्त बने लायक ही नहीं है। पापा वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पहले भी आना चाहते थे पर मैंने ही। आजा, कम। कैसी लड़कों जैसी बातें करती है। एक काम करो, तुम सबको बुला लो और पैसों की चिंता तुम मत करो। अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो तुम्हारी दीदी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके। बाय। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। उन दोनों को इस केस पर लगा दो। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस सर। आज शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। राजावरम पुलिस स्टेशन। या 1 सेकंड सर। जी बस नोट कर रहा हूँ। यस सर। वो वहाँ पे। नाम क्या बताया? ओके। हस्बैंड का नाम? ओके। एड्रेस? जी सर, नो प्रॉब्लम, मैंने नोट कर लिया है। जी मैं देख लूंगा। ओके ओके ओके। वेंकट स्वामी सर, ये लो, इन दोनों के बारे में पता करो। सरिता, संजय। ओके सर। सरिता कलेक्टर ऑफिस में स्वीपर का काम करती है और उसका हस्बैंड संजय, वो शायद रियल एस्टेट ब्रोकर है। सर ये लोग राम बाबू के घर के पास रहते हैं। राम बाबू मतलब वो वरुण केस में? हाँ सर वही। मम्मा, इतना बारीक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पर हमें इसे ज्यादा चाहिए होंगी। ये तुम्हारी छोटी बेटी ना थोड़ी बड़ी लिस्ट दे दी। कौन सी लिस्ट? स्लीप ओवर वाली रात के लिए लिस्ट बनाई है मैडम ने। बिल्कुल ठीक किया, और बनो तुम बड़े प्रोड्यूसर। पापा, पापा, पुलिस आई है यहाँ। तुम इतना डर क्यों रही हो बेटा? पापा, पुलिस वाले आए हैं यहाँ और मैं। तुम बैठ जाओ, आओ, आ जाओ, बैठो बैठो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, बिना बात की टेंशन हमें फिर से एक नई मुसीबत में डाल सकती है। पर वो लोग हमारे घर के पीछे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुमने बॉडी को घर के पीछे छुपाया? डरना मत। वो लोग अब बेल बजाने वाले हैं। तुम जाओ और उनके लिए दरवाजा खोलो। मैं? तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है ना? तो फिर जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जाओ, दरवाजा खोलो, चलो जाओ। सुनो ना, वो लोग यहाँ मम्मा से मिलने आए हैं। सर नमस्ते। सर आप ही ज्योति हैं ना? हमें आज कलेक्टर ऑफिस से फोन आया था। एक डेली वेज वर्कर सरिता ने अपने पति के खिलाफ रोज मारपीट करने की कंप्लेंट की है। हमें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। जब हमने सरिता से बात की, उसने कहा आपको इस बारे में पता है। उसने सीक्रेटली हमें कुछ बताया भी है कि आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। क्या आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था? ये सच है? जी सर, मैंने कहा था। देखिए मैडम, आजकल किसी पे विश्वास करना मुश्किल है। औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का कुछ औरतें इसका गलत फायदा भी उठाती हैं। इसलिए हमने वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाया। उसकी स्टेटमेंट सच है? जी सर। उसने आपको बताया या आपने खुद देखा? हाँ, मैंने खुद देखा था सर। ए वेंकट स्वामी, दोनों को लाओ। ओके सर। उनको यह बात पता ना चले कि इसके पीछे तुम लोग हो। अगर लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, उस शराबी को पता नहीं लगना चाहिए। पता लगा तो उस औरत को प्रॉब्लम होगी। आइए मैडम। इस बार मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर अब दोबारा मारपीट की ना। नहीं सर, आज के बाद नहीं मारूंगा। जाओ। आप रुकिए। अगर इसने आपको दोबारा मारा, स्टेशन का नंबर है ना आपके पास? फोन कीजिएगा। कलेक्टर ऑफिस से कॉल मत करवाइएगा, समझ गई ना? ठीक है सर। जाइए, आप लोग भी जाइए। हाँ राम बाबू, हम मिलते रहेंगे। अंजू, ए अंजू, चलो। सो रही है? मेरे बेटे की जान लेकर चैन से सो रही है। मेरा बेटा कहाँ है? कैसे मारा उसे? क्यों मारा उसे? तुझसे बात कर रही हूँ, बोल, बता मुझे। तुझे क्या लगा तो बच जाएगी? जब तक तुझे सजा ना दिला दूं मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। बता मुझे, बोल, बताती है या नहीं? अंजू, 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 सब ठीक है बेटा। बस एक बुरा सपना था, घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा मत, डरो मत बेटा, हम दोनों यही हैं तुम्हारे पास। डर मत बेटा, कोई नहीं है। चुप, शांत शांत हो जाओ बेटा। बस बस, परेशान होने की जरूरत नहीं। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अंजू बेटा तुम जाके बाहर बैठो। बेटा जाओ। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा डॉक्टर? ये स्ट्रेस अटैक भी हो सकता है। हो सकता है पुलिस वालों को देख के वो घबरा गई होगी। मैंने तुमसे कहा था उसे मत भेजो, तुम कहाँ सुनते हो? नो 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 नो, राम बाबू ने ठीक ही किया। आखिर कब तक वो डर में जीती रहेगी? उसे धीरज से फेस करना होगा। क्या आपको लगता है कि उसे फिर से काउंसलिंग लेनी चाहिए? धीरे धीरे इन अटैक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, सो लेट्स कंटिन्यू द सेम वे। लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी हो सकता है। फिट सीजर्स उसे पहले भी आए हैं ना। अब जब भी कभी उसे पैनिक अटैक आए तो इसका ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी? डिपेंड्स, बेटर हो सकता है या वर्स भी हो सकता है। जैसा आपने कहा डॉक्टर, आगे भी उसे अकेले ही सोने देंगे। गुड। अंजू की प्रॉब्लम सिर्फ अंजू ही सॉल्व कर सकती है। हमारी ड्यूटी तो बस उसके साथ खड़े रहने की ही है। सो लेट हर हैंडल इट हरसेल्फ। परेशान मत हो जनार्दन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले अपने लिए कुछ काम ढूंढो। बाकी भाई एक पूरी। हाँ। अच्छा काका, आपको लगता है मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुश्किल है, खेती अभी हो नहीं रही है। हो सकता है शहर में कुछ मिल जाए। 6 सालों से घर से दूर ही था। बिना शहर जाए अगर मुझे यहीं पर काम मिल जाता तो। यहाँ तो तुम राम बाबू को जानते हो? वो केबल टीवी वाले ना? हाँ वही राम बाबू। अब सिनेमा टॉकीज चलाते हैं, उनसे जाके मिलो। क्या पता उनके पास कोई खाली जगह हो। हाँ ठीक है काका जी। एक बात बताओ, तुम खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? अरे उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए काका। वैसे मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट है, पैसे ठीक मिले तो बेच दूंगा। बागे भाई, रघु कहाँ है? एक चाय बोलो तो। हाँ ए रघु। हाँ। एक चाय ले आ। ठीक है लाता हूँ। सुन, ये आदमी है ना, एक ब्रोकर है। ओह। तुम्हें प्लॉट बेचना है ना, तो इससे बात करो। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर। वेलकम वेलकम। कैसी हो मिसेस आई जी? बिल्कुल ठीक। आप लोग इतने लेट कैसे हो गए? मेरी वाइफ इस क्राइम की प्राइम सस्पेक्ट है। वो तो मैं देख रही हूँ। रेडी होने में टाइम दिया? बस 2 घंटे आंटी। हाँ? वो दिख रहा है। साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। हेलो, क्यों सब मिलके मेरी सिस्टर का मजाक बना रहे हो? आइए अंदर। चलो। कमल कहाँ है आंटी? वो बाहर गया है, आता ही होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब ये मत कहना कि खाना नहीं बनाया। सिर्फ 10 मिनट दीजिए। तब तक कुछ स्नैक्स ही भिजवा दो। इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अजीब। जी अंकल। तुम्हारे स्लीपओवर प्रोग्राम का क्या हुआ? सबने मिलकर डिसाइड किया है, इस बार अनु के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है। That's even better. अनु ने उस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं अंकल। गौतम, तुम्हें लगता है वो हर बात इसे बताएगी? क्राइम करने वाला उस बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो फंस सकता है। लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। उन लोगों के लिए सालों तक ये राज छुपाए रखना नामुमकिन होता है। आज नहीं तो कल उनके मुंह से सच बाहर आ ही जाना है। ज्यादातर वो ऐसे राज अपने नजदीकियों से शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर करने से उनके मन का डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित, तुम्हें अनु का कॉन्फिडेंस जीतकर उसका करीबी बनना होगा। ओके अंकल। वैसे ये दोनों का लास्ट ईयर है पढ़ाई का। ट्राई करते रहो। जब तुमने बताया कि अनु तुम्हारी क्लासमेट है तब मुझे आइडिया आया, पर इससे तुम्हारी स्टडीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए। नो अंकल। गुड बॉय। शर्लॉक होम्स के बाद ये तुम्हें ही एडमायर करता है। ये भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अच्छा। पूछ लो। यस अंकल। फिर तो आईपीएस बनने से पहले इसको इसका पहला केस मिल गया। शर्लॉक से भी पहले शुरू हो गया तुम्हारा करियर। थैंक्स अंकल। तेरी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है। राजेश अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मुझे अमेरिका बुला रहा है। आप कब जा रही हैं माँ? हाँ बस वीजा लगते ही चली जाऊंगी। कह रहा था अगले हफ्ते आ जाएगा। वैसे डिलीवरी डेट कब की है? इसी महीने की 25 तारीख। फिर तो आप 5-6 महीने रुक कर ही वापस आओगी ना माँ? हाँ बेटा। जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने आ जाती, मैं आ जाती पर ये बहुत बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाने से पहले तेरे पास आके जाऊंगी, तू घबरा मत। ज्योति, मैं वाइजैक जा रहा हूँ। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, बाय। माँ अमेरिका जा रही है। राजेश की वाइफ की कुछ ही दिनों में डिलीवरी है। लगता है माँ 5-6 महीनों बाद ही वापस आएंगी। अच्छा है ना, बाबूजी के जाने के बाद से उदास रहती हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। यहाँ तो वो रहने आएंगी नहीं, परंपराओं वाली औरत है ना। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मन बहुत बेचैन है। हर वक्त डर लगता है कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। सब छोड़ के जा रहे हैं। हो गई फिर से शुरू। मतलब मैं और बच्चे तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे। संजय, सरिता सर, ये लोग अंडरकवर्स। ओरिजिनली ये दोनों पति पत्नी हैं। टेक योर सीट प्रताप। थैंक यू सर। सीआई प्रताप, जानते हो इन्हें? मिल चुके हैं सर। पिछले 2 सालों से ये दोनों रामबाबू की फैमिली पे नजर रखे हुए हैं। उसके बेडरूम, डाइनिंग रूम, बेटी अंजू के रूम को बक कर रखा है। Am I right? जी सर, हमने उनकी सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड कर ली हैं। इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिली? नो सर, ये लोग वरुण के बारे में या केस के बारे में घर में बात नहीं करते हैं। ओह। इसलिए क्योंकि राम बाबू उन्हें बात ही नहीं करने देता। बात शुरू होने से पहले वो उन्हें टोक देता है। ये बात ज्योति दीदी को फ्रस्ट्रेट करती है। सॉरी सर, वो आदत हो गई है ना। इट्स ओके, गो अहेड। अंजू और ज्योति की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है सर। ओह। मगर हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि वो इस बारे में बात करें। बस एक छोटी सी ब्रेक थ्रू मिली है। आई सी। आज से तुम तीनों इस इन्वेस्टिगेशन की कोर टीम में हो। यस सर। ओके सर। You will keep all the information confidential and report just to me. Sure, sir. Before I proceed, एक नजर इस केस की समरी पर डालते हैं। 6 साल पहले a young man called वरुण प्रभाकर vanished into thin air. अंजू नाम की लड़की का नेकेड वीडियो लेके उसे ब्लैकमेल करने में उसकी जान चली गई। पर उसकी छोटी बेटी का कहना था कि माँ और बहन ने बोरी में कुछ बांध के घर के पीछे गाड़ दिया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो बॉडी वहां नहीं थी, हटा दी गई थी। उस रोज राम बाबू घर पर नहीं था। ज्योति, अंजू, इन दोनों में से किसने मर्डर किया? बॉडी वहां से किसने शिफ्ट की? कब शिफ्ट की और कहां शिफ्ट की? हम इन सवालों के जवाब पिछले 6 सालों से ढूंढ रहे हैं। हत्या अंजू ने की है, यह बात अब क्लियर है। वो छोटा सा ब्रेक थ्रू है सर। झूठ है, ये सब सरासर झूठ है। अंजू पवित्र है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वैशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। रिसेंटली हमें एक और सवाल का जवाब मिल गया है। आप अपनी सारी परेशानी भैया को बताइए ना। जो भी सवाल है उनसे पूछिए। आप उनसे खुल के बात कीजिए, वो जरूर समझेंगे। मैंने बात करने की कोशिश की थी पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, मना कर देते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राम भैया को ना इस बारे में फुल क्लैरिटी है और आपको नहीं, इसलिए आप घबराती हैं। हो सकता है अंजू को भी यही प्रॉब्लम हो, है ना? पर भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो बात करने से ही मना कर दिया आप लोगों को। जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे को समझेंगे कैसे? मैंने तो लोगों को बात करते सुना है कि जब तक बॉडी नहीं मिल जाती पुलिस आप लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकती। तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है? कहीं आपको ये तो डर नहीं कि अनु ने उस दिन उन लोगों को बता दिया हो कि बॉडी कहाँ है? नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं। हमें तो बिना बताए ही उस रात को उन्होंने बॉडी वहां से हटा दी थी। इन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हमें ना पता चले बॉडी कहाँ है। सो फार हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। कोर्ट से परमिशन लेके 2 बार तो हम उन्हें इंट्रोगेट कर चुके हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं। बिना सॉलिड प्रूफ के हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ऐसी स्ट्रांग वार्निंग दी है। हम लोग तो पब्लिक और मीडिया की नजरों में पहले से ही जोकर्स हैं। इस बार एक और चांस नहीं ले सकते, इसलिए संजय और सरिता को अंडरकवर करके इस केस को सीक्रेटली मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। वरुण की बॉडी को ढूंढना इस केस का क्रूशियल पॉइंट है। मर्डर करने के नेक्स्ट डे राम बाबू ने उस बॉडी को कहां शिफ्ट किया, अगर हम ये पता लगा लें तो ये केस स्ट्रांग बन सकता है। क्या हम यकीन कर सकते हैं कि बॉडी नेक्स्ट डे शिफ्ट हुई है? सर लगता तो है। ह्यूमन बॉडी रिमेन्स मिट्टी में होंगे, इसी चांस को वेरीफाई करने के लिए उस रोज मैंने मिट्टी को एग्जामिन करवाया था। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस वाज फाउंड। फिर इस केस में नेक्स्ट डे ही बॉडी शिफ्ट की गई, इस बात की क्या इंपॉर्टेंस? वो डेट अगस्त 3rd। सब ध्यान से सुनना। यस सर। 2nd अगस्त वरुण का मर्डर इस रात को किया गया। राम बाबू की फैमिली विजयनगर साई मंदिर प्रवचन सुनने के लिए गई थी। ऐसी कहानी उन्होंने रिक्रिएट की। 2nd अगस्त की रात को वरुण की बॉडी मां बेटी ने मिलकर दफना दी। नेक्स्ट डे राम बाबू वरुण की कार में विजयनगर होते हुए देवरपल्ली ताला पहुंचा और वहां गाड़ी डुबा दी। फिर वो विजयनगर पहुंचा, वहां से होटल बिल्स लिए और थिएटर टिकट्स ली और फिर शाम को आरटीसी बस पकड़ के रात को 9 बजे वो अपने घर पहुंच गया। और फिर रात को जब सब सो गए तब उसने बॉडी को वहां से निकाला और शिफ्ट कर दिया। मान ले कि ऐसा हुआ तो राम बाबू ने वो बॉडी कितने बजे शिफ्ट की होगी? सर मान लिया कि उसकी फैमिली जल्दी सो गई, उसके पड़ोसी भी सो गए हो सकते हैं, पर जहां उसने वरुण की बॉडी को दफनाया वो जगह मेन रोड से दिखती है, तो फिर मिडनाइट, शायद 12 बजे के आसपास। ओके। मान ले बॉडी को खोद के निकालना और उसे अकेले जीप तक ले जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, मतलब 1 बजे। इसका मतलब अगस्त 4 की सुबह 1 बजे। फिर मान लेते वो घर से निकला, बॉडी डिस्पोज की और फिर सुबह 4:30 बजे घर वापस आ गया। ये सब करने में उसे 3 घंटे लगे, सॉरी 3.5 घंटे। अब कहीं और गड्ढा खोदने में, बॉडी को दफना के वापस भरने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वापस आने में। तो राम बाबू के घर से लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में बॉडी को दफनाया गया है। व्हाट डू यू से? सर 4:30 बजे ही वो वापस आया हो, ये एजम्पशन गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है वो 5 या 6 बजे वापस आया हो। नहीं, 4 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 5:45 की बस से राम बाबू की फैमिली विजयनगर गई होगी। उस दिन को रिक्रिएट करने के लिए 5:45 की बस पकड़ने के लिए वो भी 3 औरतों के साथ 2 दिन के ट्रिप के लिए उन्हें कम से कम 1 घंटा पहले उठना पड़ा होगा। पति और पत्नी एक ही बेडरूम में सोया करते हैं, जब वो गया बीवी जानती तो होगी। सर उस इंसिडेंट के बाद ज्योति 6 महीने तक बच्चों के साथ सोती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बड़ी बेटी अंजू रोज रात को घबराकर उठ जाया करती थी, ज्योति ने बताया था। सर जैसा आप कह रहे हैं सर, उस हिसाब से तो 50 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। आपने जो टाइमलाइन बताया वो एक नॉर्मल आदमी के लिए नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल है, पर इस तरीके की टेंस्ड सिचुएशन में वो ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकता। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा सर। एब्सोल्युटली, हो सकता है वो ज्यादा दूर ना गया हो। हो सकता है वो 11 बजे गया हो और 3 बजे वापस आ गया हो। क्वाइट पॉसिबल। यस सर। सर उस रात राम बाबू की मूवमेंट्स की इंक्वायरी हुई थी? या हमने की थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तब हमारे पास स्पेसिफिक डेट नहीं थी। उन दिनों राम बाबू को केबल रिपेयर के लिए कई लोगों ने रात को आते जाते देखा था। अब वी हैव अ सॉलिड डेट। प्रताप जी अपनी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली जारी रखो। सर इन द मीनवाइल You to push Jyoti hard. Sure sir. इस वक्त राम बाबू का पूरा फोकस सिर्फ उसकी फिल्म के ऊपर है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, जो एक्चुअली हमारे लिए एडवांटेज है। इससे पहले कि वो अपनी फिल्म बनाए, हम उसे फिल्म दिखाएंगे। मैंने भी फिल्म देख ली है, प्रीव्यू। पूछ मत यार, बकवास। अरे स्क्रीन प्ले में कोई लॉजिक ही नहीं था। मुझे मिल जाए ना तो शक्ल बिगाड़ दूं उसकी। डायरेक्शन मैं उससे अच्छा डायरेक्शन कर लूं। हेलो हेलो। हाँ फोन ही काट दिया मुझे फिल्म के बारे में सिखा रहा था। भैया भैया अमेरिका वाले पार्टी से मेरी बात हुई, को प्रोड्यूसर बनने में उसका इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो खुद आपसे बात करेगा। फाइनली मेरे जीने का मकसद पूरा हो रहा है। मेरा बिगेस्ट ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम ग्रेट हो भैया, ग्रेट ही हो। राजू, अगर मनुष्य सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करे ना तो वो कुछ भी पा सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ। करेक्ट है भैया, पर इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए टैलेंट नहीं, लग जरूरी है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग। इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तुम नेगेटिव हो इसलिए नाइट ड्यूटी पर हो। अगर तुम पॉजिटिव होते तो नाइट में शूट कर रहे होते। पॉजिटिव रहना सीखो यार, फिर देखना सब पॉजिटिव होगा। अब तुम देखते रहो, पूरी इंडस्ट्री पर राज करूंगा मैं। समझे? तुम अरविंद हो ना? हाँ सर। कितने दिनों से यहाँ पर न्यूज़पेपर बांट रहे हो? लगभग 15 सालों से सर। न्यूज़पेपर सुबह कब तक पहुँचता है? अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक टाउन पहुँचता है। उसके बाद मेरे लड़के बारी बारी से घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। अगस्त 2014 में जो भी लड़के पेपर बांटते थे उनके नाम, एड्रेस और नंबर मुझे चाहिए। ओके सर। सुबह दूध बांटने के लिए लड़के पैकेट लेने कब आते हैं? सुबह 4, 4:30 तक आते हैं सर। मुझे उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। उनकी नहीं जो आप काम करते हैं। अगस्त 2014 में जो लड़के काम करते थे उनकी, समझे? ठीक है सर। चलो। लोग ठीक से कॉपरेट कर रहे हैं ना? जी हाँ सर, पूरी तरह से कर रहे हैं। गुड। 6 साल पहले राम बाबू के लिए इस गांव में सिंपथी थी। वीरभद्र नाम के कांस्टेबल ने राम बाबू की छोटी बेटी पर हाथ उठाया था। उस वक्त पब्लिक में गुस्सा था। इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी ने भी कोऑपरेट नहीं किया था। नाउ दिस इज अ गुड साइन। इसका कारण लोगों की जलन है सर। राम बाबू की कामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही। इनफैक्ट लोगों को पूरा विश्वास है कि वरुण की हत्या राम बाबू के परिवार ने ही की है। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आपको लगता है लोगों को याद होगा? शायद नहीं। ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी को कुछ याद हो। माँ, अब तुम बस भी करो ना। पर तो है कहाँ? मैं अपने दोस्त रवि के घर पे हूँ। उससे नौकरी की बात की? अरे हाँ माँ, बात की ना मैंने, तो उसने कहा वो मेरे लिए काम देखेगा। ठीक है बेटा। हाँ। नमस्ते सर। ये पुरुषोत्तम का घर है? नहीं सर। तुम्हारा नाम क्या है? जनार्दन सर। पुरुषोत्तम का घर कहाँ है? पुरुषोत्तम, अरे वही आदमी जो न्यूज़पेपर डाला करता था, एक्सीडेंट हो गया था। पुरुषोत्तम नायडू। हाँ वही। हाँ वो यहाँ से 1, 2, 3 चौथी लेन में सर, उल्टे हाथ पे तीसरा घर है। चलो। कुछ मिला? कुछ नहीं सर। सारे पेपर वालों से बात कर ली, दूध वालों से भी बात कर ली। सब कह रहे हैं कुछ याद नहीं। सब कुछ ट्राई कर लिया सर, नो रिजल्ट्स। हाँ बस एक सोर्स बचा है सर। उस दिन राम बाबू के घर के पास एक वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था सर। तुमने डिटेल्स लिए? यस सर। जी, गेस्ट लिस्ट ले ली थी। कुछ 120 लोग रिसेप्शन में आए थे। यस सर। टेक अ लुक। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। आई एम ऑन इट सर। यस सर। नमस्ते सर। रमेश? जी सर। 2014 3 अगस्त को आपके दोस्त श्रीनिवास के घर पर एक रिसेप्शन था। उन्होंने बताया रात 11:30-12 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। सर फंक्शन तो याद है पर डेट याद नहीं है। उस रात बायनी चांस तुमने राम बाबू को देखा था? ये राम बाबू? हाँ यही। पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक से सोच के बताओ, इट्स इम्पोर्टेंट। क्या तुमने उसे जीप में या पैदल जाते देखा था? नहीं सर। सर उस रात मैंने राम बाबू को एक जीप में आते देखा था। क्या आप भी? आपको याद नहीं है? हमारे छोटे बेटे को उस रात बुखार था। हाँ था तो। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा। सुनिए, बुखार से इसका बदन तप रहा है। आपके फ्रेंड डॉक्टर है ना, उन्हें फोन कीजिए। लेकिन इसे वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। कार तो सर्विस में दे रखी है। उसका क्लिनिक यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और बाहर बहुत ठंड है। सुनिए, राम बाबू के पास जीप है ना, उनसे मांग लीजिए। हाँ कुछ नहीं होगा बेटा। रुको, एक दोस्त को कॉल करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। ए श्रीधर, मेरे छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, हाई फीवर है, तुम्हारे पास लेकर आओ क्या? हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने? हर 2 घंटे पे पैरासीटामोल सिरप देने के लिए कहा है। हाँ। वो सुबह आके चेक कर लेगा। हाँ। हाँ सर, हमने उस दिन राम बाबू को सुबह 4 बजे यहाँ से जीप में जाते हुए देखा था सर। ये सब इंक्वायरी में क्यों नहीं बताया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था सर। सर, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूँ। हम टाउन में रहते हैं, यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सर। उस रोज अपने दोस्त के यहाँ रिसेप्शन अटेंड करने आया था सर। ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये राम बाबू के केबल टीवी ऑफिस में जाने के लिए शॉर्टकट है सर। 3 साल पहले इसे पक्का कर दिया गया था। उसके पहले इस रोड की हालत बहुत खराब थी। रोड के आसपास कुछ है? एक छोटा सा चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च। उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे पूरा जंगल का एरिया है सर। गांव से बाहर जंगल में पॉसिबल नहीं है सर। वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। उन दिनों फॉरेस्ट गार्ड्स रेगुलर स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग करते थे, तो अगर किसी ने कोई गड्ढा खोदा होता तो उनकी नजर में आ जाता। सी, हो सकता है कि उस वक्त ये सब प्लान करने का उसे टाइम ना मिला हो, तो उसने किसी फैमिलियर प्लेस पे बॉडी दफनाई हो, इसके चांसेस हैं। एक डाउट है सर। क्या? सरिता। यस सर। राम बाबू को कॉन्फिडेंस है कि पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती है ना? यस सर। तो फिर उसने उसे ऐसी जगह दफन किया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कहां? चर्च सेमेट्री, राम बाबू के घर के पास ही है और रात में कोई आता जाता भी नहीं। सर, अगर ये बात सच है तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सच है या नहीं ये पता लगाने का एक रास्ता है। दीदी, मैंने एक चीज देखी है। आप जब भी बाबा के मंदिर जाती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तू तो सब जानती है सरिता, बाबा सबकी पीड़ा हरते हैं। मेरी परेशानी भी तू जानती है, इसलिए मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात सुनेंगे, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है जैसे बाबा मेरे अपने हैं। पर राम भैया ऐसा नहीं मानते ना? तेरे राम भैया ना? दीदी, वो आपके लिए यहाँ नहीं आए। आप घबरा क्यों रही हैं? हिम्मत रखो ना। ज्योति दीदी, दीदी। क्या हुआ सरिता, सब ठीक है? कुछ नहीं। वो अंजू। हाँ मम्मा। तू अंदर जाके काम कर। क्या हुआ है? राम भैया ने बॉडी को शायद चर्च सेमेट्री में छुपाया है दीदी। उस दिन हमने वो पुलिस देखी थी ना, शायद वो खुदाई करने के लिए गए थे, पर कोर्ट ऑर्डर्स के बिना फादर ने उन्हें वहाँ कुछ करने नहीं दिया। सिस्टर शांता ने मुझे ही बताया। दीदी, आप परेशान मत होना, आप बस राम भैया को जल्दी बता दो। और हाँ, फोन पर मत बताना, गड़बड़ हो सकती है। उन्हें घर पर बुला लो, फिर सब आराम से बताना। हेलो, सुनो ना, तुम जल्दी से घर वापस आओ। मैं इवनिंग शो के बाद आता हूँ। नहीं, अभी वापस आओ, जल्दी निकलो वहाँ से। क्यों, क्या हुआ? फोन पे नहीं बता सकती, अभी मत पूछो, घर आओ। हेलो हेलो ज्योति, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं जनार्दन हूँ और यहाँ पर काम ढूंढ रहा हूँ, तो बाकी काका ने कहा आपसे आके मिलो। अभी यहाँ पर जगह नहीं है। मैं कोई भी काम करूंगा सर। मैंने कहा ना कोई काम नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा ये रखो। मुझे भीख नहीं चाहिए सर। फिर जाओ यहाँ से। सर, सरिता, ज्योति ने राम बाबू को कॉल तो कर दिया है, तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरी बात सुनते ही ज्योति दीदी परेशान हो गई थी। तो राम बाबू घर क्यों नहीं आए? हो सकता है कि वो रात को घर आए। तब ये दोनों जरूर बात करेंगे। अरे वो आ गए चलो जल्दी करो। क्या हुआ ज्योति? अंदर चलो। तुम इतनी टेंशन में क्यों? पहले अंदर चलो ना, बताती हूँ। क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ मम्मा। कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ मत, आओ। क्या हुआ ज्योति, क्या बात है? आज सुबह पीछे वाली सेमेट्री में पुलिस वाले गए थे। तुम्हें किसने कहा? सरिता ने, और सरिता को शांति ने बताया। मंदिर से लौटते वक्त पुलिस को सेमेट्री में जाते हुए मैंने खुद देखा था। क्या तुमने बॉडी वहीं छुपाई है? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब बोलने के लिए मुझे घर बुलाया तुमने? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नहीं तो। मतलब बॉडी वहाँ नहीं है? तुम्हें 36 बार मना किया इस बारे में बात मत करो। बात करनी होगी, मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये टेंशन और नहीं झेल सकती। फोन पे बिना कुछ बोले मैंने तुम्हें आने के लिए कहा। उस आधे घंटे के लिए तुम परेशान हुए ना, और मैं पिछले 6 सालों से इसी तरह से परेशान हूँ। आए दिन पुलिस वालों को यहाँ वहाँ खोदते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ वो वहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ये सब हमें बचाने के लिए कर रहे हो, पर ऐसे हर पल में टेंशन में नहीं जी सकती। सुनो ना, मेरे मन की शांति के लिए मुझे नहीं बता सकते कहाँ छुपाया है? मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो इतना बड़ा राज किसी को बताऊंगी? मुझे लगा पुलिस ने यह केस बंद कर दिया होगा, पर वो लोग अभी तक तलाश कर रहे हैं। ज्योति, जब भी कोई नया एसआई आएगा तो वो रूटीन इंक्वायरी करेगा ही। हम लोग जब तक जिंदा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ है हमें कुछ नहीं होगा। मैंने जब भी तुमसे बात की तुमने हमेशा यही कह के टाल दिया। मेरी शांति के लिए मुझे बता दीजिए ना। मुझ पर यकीन तो है ना? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मत बताइए। ज्योति, समझने की कोशिश करो। आज तक मैं वही करता आया हूं जो मेरे दिल ने कहा है। और आगे भी मैं वही करना चाहता हूं। बकवास। वो कहां है इसका पता लगाना नामुमकिन है। मेरी इस बात का विश्वास करो। आपकी चाय। नमस्ते जनार्दन भैया। और रघु, सब ठीक है ना? बढ़िया। बाकी काका, विजयनगर की बस चली गई क्या? नहीं अभी नहीं। कहीं जा रहे हो क्या? मैं तो काम के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ काका, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास काम करने का मतलब है उसके नखरे झेलो, गालियाँ खाओ, ये तो नहीं होने वाला। बैठो चाय वाय पियो। ये भी नहीं होगा, पैसे बहुत कम है। बस के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसों का क्या है, जब वो दे देना। हे रघु, एक चाय ला। और सोमराज, कल शाम को तेरे घर गया था, तू था तो नहीं? हाँ वो मैं चर्च गया था। क्यों भाई, धर्म बदल दिया क्या? अरे नहीं रे। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं तो। पुलिस वाले चर्च सेमेट्री खोद रहे थे। किस लिए? राम बाबू के केस के लिए। क्या कहते हो, कुछ पता चला? देखो क्या होता है। चर्च सेमेट्री में बढ़िया फिल्म बनेगी। तो उन्होंने सेमेट्री की खुदाई की? आपकी चाय। अरे कैसे हो सकता है, चर्च के फादर ने उन्हें कोर्ट का ऑर्डर लाने को कहा, पुलिस वाले वापस चले गए। पुलिस वाले भी हार नहीं मानने वाले हैं, 2 दिन में कोर्ट के ऑर्डर ले आएंगे। अब तुम कुछ भी बोलो भाई, राम बाबू के बुरे दिन शुरू। हाँ पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ पुलिस वालों को। वो राम बाबू का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो अच्छे इंसान है। अब बस करो काका, राम बाबू कितना शरीफ है सबको अच्छे से पता है। हाँ, मैंने भी सुना था वो वीरभद्र ने राम बाबू को फंसाने की कोशिश की थी। ये लो एक और कहानी। हमें भी यही लगता था, लेकिन उसकी छोटी बच्ची ने खुद बताया कि उसकी माँ और बहन ने बोरी में कुछ भर के बाहर दफनाया था, लेकिन जब पुलिस वहाँ गई तो मरा बछड़ा मिला। आप ही बताओ भाई, आधी रात को दो औरतें बछड़ा दफनाने जाएंगी, वो भी इतनी बारिश में। ए, तू था क्या वहां? नहीं ना, तो फिर चुपचाप बैठो। हाँ ठीक है। पुलिस गिद्ध की तरह लगी हुई है। इंक्वायरी चल रही है कि 3 अगस्त की आधी रात को अगर किसी ने भी राम बाबू को जीप में आते जाते देखा हो तो फौरन उन्हें बताएं। बताने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। काका, यही बस है ना? हाँ हाँ, जाओ जल्दी करो। 5 लाख का इनाम है। भाई जिसने भी देखा होगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। चल रही है कि 3 अगस्त की आधी रात को अगर किसी ने भी राम बाबू को जीप में आते जाते देखा हो तो फौरन उन्हें बताएं। बताने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो कोई चांस ही नहीं कि बॉडी वहीं हो सर। उस सिमिटरी पे फिर भी नजर रखो सर, स्पेशली एट नाइट। यस सर। सर या हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तो है ना? उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में कहीं भी वरुण या डेड बॉडी का रेफरेंस नहीं है और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं। अभी हमें राम बाबू के केबल टीवी जंक्शन ऑफिस पर कंसंट्रेट करना होगा। जी सर, जरूर। उससे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? सर स्टेशन से कॉल आ रहा है, इमरजेंसी हो सकती है सर, 2 बार आ चुका है। प्लीज टिकट तुम और सरिता अलर्ट रहो। हम तो अलर्ट ही हैं सर, पर वो काफी होशियार है। ठीक है। तुम्हें पता है ना मैं आजी के साथ मीटिंग में हूं। क्या? अच्छा, क्या नाम बताया उसका? राम बाबू के घर से जंक्शन ऑफिस कितनी दूर है? मेन रोड से तो 12 किलोमीटर होगा सर, शॉर्टकट से गए तो 8-9 किलोमीटर होगा। उस शॉर्टकट पे कोई डाइवर्शन भी है क्या? नहीं सर। कम सर, एक आदमी है जो कह रहा है राम बाबू ने बॉडी कहाँ छुपाई है, उसे पता है सर। कहाँ छुपाई है? बता नहीं रहा है सर, सिर्फ हायर ऑफिशियल्स को ही बताएगा। यकीन कर सकते हैं? यस सर। याद है ना तुम्हें ऐसे और भी कितने आए थे? सर पर बिना सुने इसे जाने देना मतलब? ऑफ कोर्स नॉट। उसे यहां लेकर आने को बोलो। यस सर। ज्योति, अंजू को ड्रॉप करके मैं वाइजैक जा रहा हूं। रात को वापस आओगे? हाँ आऊंगा तो कॉल करूंगा। फिल्म का काम है पापा। फिल्म कब शुरू करने वाले हो पापा? हाँ? कब शुरू करोगे फिल्म? हर चीज का सही वक्त होता है बेटा, फिल्म का भी टाइम आएगा। तुम्हारा नाम? जनार्दन। तुमने राम बाबू को कहां देखा था? बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। कितना? बस 5 लाख रुपए। बोला था ना मैंने फ्रॉड है ये। साहब 3 अगस्त सुबह 3:30 बजे राम बाबू को मैंने खुद अपनी आंखों से जाते हुए देखा था, वो भी एक कुदाल के साथ। लेकिन उसके आधे घंटे बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। उस रात करीब 12:30 बजे मेरा मेरे साले के साथ झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैंने रॉड से उसका सर फोड़ दिया और वो मर गया। मैं डर के मारे अपने घर भाग रहा था, तभी मैंने रास्ते में राम बाबू को देखा। मैं फ्रॉड नहीं हूँ साहब। उस रात राम बाबू स्कूटी पे था या बाइक पे? जीप में था साहब। वो पुलिस की जीप है समझकर मैं डर के मारे छुप गया था, इसलिए मुझे आज भी वो सब अच्छे से याद है। कहाँ देखा था? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। पहले पैसों की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, मैं 10,000 देता हूं। बताओ। ये तो बहुत कम है साहब। जो परिवार मुझसे दूर चला गया उसे वापस पाने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपए। तुझे बिना 1 रुपया दिए सच कैसे बुलवाना ये मुझे अच्छे से आता है। साहब आपको जितना मारना है मार लो, पुलिस से मार खाने की अच्छे से आदत हो गई है मुझे। हाँ मुझसे एक गलती हो गई आप लोगों के पास आने की। अगर राम बाबू के पास गया होता तो मैं जो मांग रहा हूं उसका डबल मिल जाता। प्रताप, दो दिन में मैं तेरे पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तब तक यहां से 1 इंच भी हिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पैसे मिल गए ना? अब बताओ, राम बाबू को तुमने कहां देखा था? जहां आप रोज बैठते हो, उसी पुलिस स्टेशन में। तब तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था ना। राम बाबू को मैंने वहां से बाहर आते देखा था। ए, हमें पागल समझाए क्या? नो। नाउ इट मेक्स सेंस। इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। और आप पर भरोसा की नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और तुम्हें इस बात पर विश्वास है? सर, जब मैंने सुना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक क्रिमिनल पे विश्वास करके मैं एक पुलिस स्टेशन तोड़ दूं? आई कांट अलाउ दिस। सर, पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी लॉस होगा वो मैं संभाल लूंगी और पुलिस स्टेशन को भी दोबारा बनवा दूंगी। गीता, मनी इज नॉट एन इश्यू है। ऑलरेडी इस केस में हमारी कई बार इंसल्ट हो चुकी है, अब एक बार फिर, और वो भी पुलिस स्टेशन को तोड़ना। सर, हम लोगों को पूरा स्टेशन तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक फ्लोर खोद कर देखना है। सर, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से भी बात कर ली है। सर, 5 अगस्त को उन्होंने फ्लोर वर्क शुरू किया था। और बस उतना ही नहीं सर, राम बाबू को उस रूट पे जाते हुए नेबर्स ने भी देखा था। सर, इस वजह से हम लोग भी जंक्शन की तरफ इंक्वायरी कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखें तो ये हो सकता है। सर, मुझे लगता है इस बार हम फेल नहीं होंगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके देन, इस बार ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी। यस सर। हमारी सारी मूवमेंट सीक्रेटली होनी चाहिए। अपने साथ और लोगों को जोड़ो और इस काम को एक दिन में खत्म करो। यस सर। डीएसपी और आरडी की देखरेख में ये खुदाई होगी। स्केलेटन मिलते ही उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देना। जल्द से जल्द रिपोर्ट लेके उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भिजवाना। सर, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे फेवर में हुई तो ही राम बाबू को फॉलो करना। हम पहले भी गलतियां कर चुके हैं, अब नहीं। Everything should be done fast and in a legally sound manner. Yes, sir. रघुअन्ना। हाँ, खाने में क्या है? इडली वड़ा डोसा पूरी। तू 2 इडली लगा दे। ठीक है। क्या सर, स्टेशन पर आज काफी चहल पहल है। वो स्टेशन में ना टाइल्स में लीकेज का प्रॉब्लम है। हाँ। तो पुरानी टाइल्स को तोड़कर नई टाइल्स लगवा रहे हैं। I think surgeon has come. Excuse me, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम शुरू हुआ? फर्नीचर बाहर निकालना शुरू कर दिया। देखो, मिनिमम 5 फीट खोदना ही है। जी सर। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से स्केलेटन सेंटर में ही होना चाहिए, तो बीच से खुदाई करके साइड तक जाना। ओके सर। हाय सर। हाय। एनी प्रोग्रेस? नो सर, डिगिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हें कुछ दिखे तो वर्कर्स को बाहर भेज कर मुझे बुला लेना। ओके सर। चलो जी, उस तरफ भी खोदो। ठीक है सर। कहाँ जा रहा है? कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ सर। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अरेंज करवाता हूँ, तू अंदर जा। सर, बड़ी जोर से लगी है। ए, एक बार बोला समझ में नहीं आता है क्या? जा, पीछे जाके कर ले। चल जा। आ यार, अरे जाना। पीने देगा ना, छोड़ने देगा। हाँ। देख देख देख, क्या मस्त है ना। जल्दी इधर। अरे हर जगह पुलिस है, छुप छुपा के आया हूँ मैं यहाँ तक। अच्छा, जल्दी कर यार। अरे जल्दी जल्दी लो। चुप, पुलिस है ऊपर। चुप। क्या मुसीबत है, बाहर मूतरे भी नहीं जाने दे रहे ये लोग। सुन, ये सब टाइल्स बदलने के लिए नहीं हो रहा है, टाइल्स लगाने के लिए कोई 5-6 फीट थोड़ी खोदता है। तो फिर लगता है ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? ये बॉडी ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना कोई पुराना केस है। बाहर वो छाव में पता है कौन बैठा है? डिप्यूटी एसपी, तहसीलदार और पुलिस डॉक्टर। मैंने बाहर उन लोगों को बात करते हुए सुना है। बाहर से इसीलिए तो हमें लाए हैं कि मैटर बाहर ना जाए। हे, आराम से बात कर, पुलिस वालों का काम है, हमें क्या लेना देना। चल अपना काम करते हैं। चल चल। ए, सुना क्या? जरूर राम बाबू का केस होगा। हाँ, तू सही कह रहा है। तुम क्या इस केस में शुरू से इन्वॉल्व हो? मैं बिगिनिंग में तो विजयनगर का सीआई था सर। जब हम बॉडी को ढूंढने उसके घर गए थे तो हमें मरा हुआ एक बछड़ा मिला, आप तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। उस वक्त जो टीम उसके बालों को ढूंढ रही थी, मैं उसका इंचार्ज था सर। क्या डीएनए का पता हम बालों से भी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, अगर रूट्स डिस्ट्रॉय ना हुई हो। मरने के बाद बाल 2-3 दिन में झड़ने लगते हैं। बॉडी को शिफ्ट किया गया था, तब बाल मिले ही नहीं। अगर बाल मिल जाए तो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्केलेटन मिलता है तो बालों की जरूरत क्या है? अब बाल मिल भी जाए तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर, लंच टाइम हो गया, आप लोग यहीं खाना खाएंगे या बाहर चलेंगे खाने के लिए? यहीं मंगवा लेते हैं, आप लोग क्या कहते हो? इट्स ओके। पापा, 2 साल और गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं, क्या बात है? आप तो इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। ये कार नहीं है बेटा, हमारी फैमिली का पांचवा मेंबर है। चलो अच्छे से साफ करना। हेलो, हाँ नहीं अभी नहीं निकला, 1 घंटा लगेगा। हाँ ठीक है, लेता आऊँगा। अंजू बस कर बेटा, मुझे जल्दी जाना है। लगता है सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। सर तलाश जारी है, रिजल्ट मिलते ही बताता हूँ सर। जैसे कुछ मिलता है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। 1 मिनट सर, आपको कॉल बैक करता हूँ। सर मिल गया सर, चलिए। रात को मूवी देखने चले? हाँ। राम भाई, क्या आपने उस लड़के की बॉडी पुलिस स्टेशन में छुपाई थी? पुलिस स्टेशन में फ्लोर की खुदाई का काम चल रहा है। तुम जाओ। ठीक है। सुनिए, ये जो कह रहा है क्या सच है? तुम घबराओ मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। जब तक मैं ना आऊं या फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। चढ़ाई ना पो, उस कॉर्नर तक जा। चार फीट सर। इसकी लंबाई ना पो। संभाल कर साफ करो और सब कुछ जमा करते जाओ। जी सर। वहां पर भी कुछ है, जरा अच्छे से साफ करो। पहले बोला था, सही कह रहा हूँ मैं। सुनो भाई, क्या हुआ भाई? सुनने में आ रहा है कि पुलिस स्टेशन में एक स्केलेटन पाया गया है, क्या ये सच है? हाँ, कल ही पुलिस वाले ले गए। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे सूत्रों के अनुसार आईजी गीता प्रभाकर के बेटे वरुण प्रभाकर के केस में एक नया मोड़ आया है। वरुण प्रभाकर के केस को दोबारा से रीओपन किया जा रहा है, जिसकी वजह पुलिस को मिला एक स्केलेटन है। माना जा रहा है ये स्केलेटन वरुण प्रभाकर का ही है। गुड मॉर्निंग। हाँ तुम जानते हो इन्हें? नहीं सर। तुम जिस प्लॉट में रहते हो उसे इन्होंने ही खरीदा था। ओह, हेलो सर। गीता, सरिता एंड संजय। हेलो मैडम। इनकी 2 साल की मेहनत से ही आज ये केस आगे बढ़ पाया। थैंक यू। वेलकम मैडम। सर कैन आई? या श्योर, कम। अब नेक्स्ट मूव क्या है? राम बाबू को इंट्रोगेट करने की पिटीशन फाइल कर दी है। आज दोपहर को 1 बजे हियरिंग है। वी आर स्पीडिंग अप थिंग्स। गुड। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई? या। हियर इट इज। मेल, एज बिटवीन 14 to 20, स्केलेटन 5 और 6 years old। हम इसे DNA टेस्ट के लिए भेज रहे हैं और मुझे आप दोनों के ब्लड सैंपल चाहिए। मैं इस पिटीशन का पूरी तरह से विरोध करती हूँ। ये किसी तरीके से सही नहीं है, इसे खारिज करें। पहले भी इस फैमिली को 2 बार इंटरोगेट करने के लिए रिस्पेक्टेबल कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को परमिशन दे चुकी है, लेकिन उससे आज तक तो कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला नहीं। ये एक अंतहीन परीक्षा है और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ओके ओके मिस्टर पीपी, इन बातों में पॉइंट तो है। इन्हें जब पहले ही पुलिस क्वेश्चन कर चुकी है तो अब ये सब दोबारा किस लिए? योर ऑनर, वरुण मिसिंग केस से रिलेटेड हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। पुलिस का सस्पेक्ट को इंटरोगेट करना अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है और आज उसी प्रोसेस का रिजल्ट है ये डेवलपमेंट। योर ऑनर, ये केस कंक्लूजन तक पहुंच चुका है। ये साफ हो चुका है कि वरुण की हत्या की गई है। 4 अगस्त 2014 की सुबह वरुण की बॉडी जिस पुलिस स्टेशन से मिली है, राम बाबू को वहाँ से निकलते देखने वाला गवाह हमारे पास है। केस में आगे बढ़ने के लिए राम बाबू और उनकी फैमिली को सवालों के जवाब तो देने होंगे। मे नॉट बी ऑनर, मेरे क्लाइंट को बार बार हैरेस किया जा रहा है। प्लीज वेट मिस काउंसिल, लेट हिम सबमिट। कितने दिन चाहिए आपको? मिनिमम 2 दिन चाहिए होंगे योर ऑनर। नो 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 नो, 2 दिन ज्यादा है योर ऑनर। आई गिव यू 1 day, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। हमें बस 2 ही दिन चाहिए योर ऑनर। अभी तो आपने कहा आपके पास एविडेंस है। 1 दिन क्वेश्चनिंग कीजिए और डेवलपमेंट्स सबमिट कीजिए। आगे जरूरत पड़ी तब देखेंगे। अपने क्लाइंट को सुबह 8 बजे पुलिस जहां कहीं भी बुलाए जाने को कहिए। यस योर ऑनर, मच ऑब्लाइज्ड। मैं यही बाहर इंतजार करती हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं पता, बात खत्म। हमारा यही स्टैंड है और हम इसी पे टिके रहेंगे। समझ गए ना? घबराना मत, धीरज से काम लेना। शातिर दिमाग हो। पुलिस स्टेशन में ठीक सीआई के पैरों के नीचे। पिछले 6 सालों से पुलिस बॉडी को ढूंढ रही थी और तुम इन्हें देखकर मजे ले रहे थे। एक बात बता, ये बॉडी को पुलिस स्टेशन में छुपाने का आइडिया तुम्हें कहां से मिला? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। किस फिल्म से ये आइडिया चुराया तूने, बता। सर, आप किस बॉडी की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सर। तो फिर तू 2014 4 अगस्त की सुबह को चुप चुप के अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? मैं वहां नहीं गया था सर। तुम्हें क्या लगा आज तक जो तुम बचते आए हो वो तुम्हारे शातिर दिमाग की वजह से? नसीब साथ दे रहा है तुम्हारा। तुम्हें उस दिन स्टेशन से निकलते हुए एक आदमी ने देख लिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन इसे जेल हो गई थी। पहचानते हो इसे? पहले कभी देखा है? देखा है सर, पर जानता नहीं कि ये कौन है। जनार्दन कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ है। हाँ, किस दिन तुमने अपने साले को मारा था? साहब, उस दिन तारीख थी 4 अगस्त 2014। टाइम? रात के 12:30 बज रहे थे। डर के मारे जब तुम भागे तो तुम अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए थे। हाँ साहब। फिर तुमने एक आवाज सुनी और जब तुमने अंदर देखा तो तुम्हें क्या दिखा? ये राम बाबू स्टेशन के अंदर से बाहर निकल रहे थे साहब। तब टाइम क्या हो रहा था? करीब 3:30 बजे साहब। अगस्त का महीना, 4 तारीख सुबह 3:30 बजे, है ना? जी हाँ साहब। उस वक्त इसके हाथों में क्या था? इनके हाथों में कुदाल थी साहब। तो अब बताओ, उस दिन इतनी सुबह तुम वहां क्या कर रहे थे? सर, उस दिन उस वक्त मैं वहां गया ही नहीं था। ये झूठ बोल रहा है सर। तो उस दिन तुम कहीं नहीं गए थे? सर, 2 अगस्त को हम विजयनगर साईं बाबा मंदिर गए थे, फिर 3 अगस्त रात को घर वापस। नहीं। गीता, चल। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा और उसे दफना दिया। हमें कुछ नहीं पता। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा, तुमने खुद ये बोला। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। जो पवित्र है उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वहशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम्हारी जमीन मैंने ही खरीदी थी। तुम लोगों को अभी समझ आएगा कि मैं कौन हूं। सुनाओ ना अब अपनी वो प्रवचन की कहानी। एक को भी नहीं छोड़ूंगी। पिछले 6 सालों से जिस दुख दर्द से गुजरी हूं, तुम भी उससे गुजरोगे। अब क्यों रो रही हो तुम? मेरे बेटे को कॉल करके क्यों बुलाया था अपने घर? बोलो। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरे बेटे को क्यों मारा? मत मारिए। बोलो मैडम, क्यों मारा मेरे बेटे को? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तुम चुप हो जाओ। मैडम, क्यों मारा मेरे बेटे को? मैडम प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो जान से मार दूंगी। बताओ तुमने क्यों मारा मेरे बेटे को? मैडम प्लीज। सर आप मैडम को रोकिए सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर। उन्हें बोलिए उसे छोड़ने के लिए सर। सर जाने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। मैडम बताओ मुझे, सच सच बताओ। चुप हो जाओ। ये अब सच बोलेगी। बताओ बताओ क्यों मारा उसे? बता मुझे, मेरे बेटे को क्यों मारा? यहाँ पर नाटक कर रही है। प्लीज सर, उसे फिट्स आते हैं सर, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा सर। सर प्लीज सर, सर उसे मदद की जरूरत है सर। छोड़ो उसे। प्रताप, कॉल द डॉक्टर। अंजू, सर सरिता, यहाँ आओ। ये नाटक कर रही है, जल्दी आओ। सर मुझे इसके साथ जाना होगा। ये नाटक कर रही है। पकड़ो इसे। सर प्लीज, चलो मुझे इसके साथ जाने दो सर। चुप रहे। तू चाहे कितना भी रोना धोना कर ले, इस बार छोड़ूंगा नहीं तुझे। पिछली बार भी तूने यही ड्रामा किया था अपनी छोटी बेटी के साथ मिलके, और इस बार तेरी बड़ी बेटी। तेरी ये होशियारी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गया ना? सर मैं बताता हूँ सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ सर, प्लीज सर। सर सर एक बार अपनी बेटी से मिल लूं। वो अब ठीक है, डॉक्टर आ गए हैं, शी इज ओके। सर प्लीज सर, मुझे एक बार जाने दीजिए। ए, मेरे साथ ड्रामा नहीं। चुपचाप मुझे सब सच बता, वरना हमें मुंह खुलवाना आता है। सर मैंने ही उस लड़के को मारा है और मैंने ही उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाया। ओह इंटरेस्टिंग। क्यों मारा तुमने उसे? सर, 2 अगस्त को ज्योति और बच्चे अपने नाना के घर गए हुए थे। जब मैं केबल टीवी ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा एक कोने अंधेरे में से कोई झांक रहा है। मुझे लगा चोर होगा तो मैंने एक लोहे की रॉड उठा ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही मुझे देखा तो डर के मारे भागने लगा। मैं गुस्से में उसके पीछे भागा और रॉड उसके सर पर मार दी। मार बहुत तेज थी तो वो वहीं गिर पड़ा। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि वो एक लड़का था। जैसे मुझे पता चला कि वो मर चुका है, मैंने उसकी बॉडी को बोरे में लपेटा और अपने घर के पीछे दफना दिया। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन में फ्लोर वर्क चल रहा है। मुझे लगा कि वो सबसे सेफ जगह है, बॉडी वहीं शिफ्ट कर देनी चाहिए। संडे शाम को ज्योति और बच्चे घर वापस आ गए। उस रात मैंने ज्योति को बच्चों के साथ सोने को कह दिया और बॉडी को पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया। तो तुम्हारी छोटी बेटी ने क्या देखा था? सर, उसने मुझे उस बछड़े को दफनाते देखा था। ओह, तो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर, मुझे पता था एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा बॉडी का है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे प्रूव करने के सारे सबूत मेरे पास हैं सर। आयरन रॉड पे फिंगरप्रिंट्स, उस लड़के के कपड़े, शूज और भी बहुत कुछ, सब संभाल कर रखा हुआ है मैंने। उसके कपड़े कब बदले तुमने? जब मैंने उसे स्टेशन शिफ्ट किया। हाँ, लेकिन क्यों? जैसा मैंने कहा सर, एक न एक दिन जब आप जान जाएंगे तो उसका प्रूफ देने के लिए। यू वेट हियर। नो, हम उसकी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकते। गीता, हम जो चाहते थे वो तो हो गया ना। नो, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी पूरी फैमिली को हर रोज तड़पना होगा। एक पल के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलनी चाहिए। उस दिन हम उसके आगे कितना गिड़गिड़ाए थे, भूल गए क्या? तो फिर आज हम उन पर क्यों तरस खाएं प्रभा? तुम्हें उनके लिए इतनी सिंपैथी क्यों है? वरुण तुम्हारा बेटा था, लगता है तुम भूल गए। हाँ, तो उसे जेल में डालते हैं। उसकी पूरी फैमिली को जेल में डालकर हमें क्या मिलेगा? उसकी लड़की की हालत देखी ना, हम ये ठीक नहीं कर रहे। ये सब ड्रामा है प्रभा, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? उसने जो वरुण के साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर प्रभाकर, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। सर, मुझे जो फील हो रहा है मैं वो कह रहा हूँ। गीता, राम बाबू जो कह रहा है वो सच है। गौतम, फॉर द टाइम बीइंग उसका एक कारण है। अगर हम अंजू पर मर्डर चार्ज लगाते हैं तो 2 प्रॉब्लम है। पहला, हम श्योर नहीं कि उसके अगेंस्ट हम कितना एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा, क्राइम के वक्त वो बालिग नहीं थी। इट्स अ जुवेनाइल केस। और सिर्फ यही नहीं, बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के वो लड़की आसानी से बच जाएगी। और फिर मर्डर उसी ने किया है, ये प्रूव करने के लिए राम बाबू ने सारे एविडेंस पहले से संभाल के रखे हुए हैं। सो नेचुरली उसकी बीवी और बच्चे इनोसेंट है, ये कोर्ट मानेगा ही। जनरली ऐसे सिचुएशन में यू नो एज गुड एज आई डू, हमें विक्टिम की बॉडी से कपड़े कलेक्ट करने होते हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहता है कि कपड़े मिसिंग हैं। सो एविडेंस के तौर पर उसने कपड़े रखे हुए हैं, हम उसकी इस बात पर यकीन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को उसकी फैमिली छोड़ के उसके कन्फेशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। राम बाबू को यूज करते हैं, उससे सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, केस को स्ट्रांग बनाते हैं, और चार्जशीट फाइल करने से पहले उसकी बीवी और बेटी को एविडेंस टेम्पर करने की कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देने के लिए कल्प्रिट बनाते हैं। छोटी बच्ची को जाने देंगे, माइनर होने की वजह से केस स्टैंड नहीं होगा। राम बाबू को इसका मास्टरमाइंड बनाते हैं, पहले हम लोग इसे जेल भेजते हैं। गौतम, वरुण ने उस लड़की का वीडियो बनाया था, ये प्लीज मेंशन मत करना। हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इनफैक्ट ये बात उसने खुद कही नहीं। अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में और उसकी इसी डर का हम फायदा उठाएंगे। प्रभा, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें लग रहा है हम उसके साथ गलत कर रहे हैं ना? हाँ, हम गलत कर रहे हैं। पर 6 साल पहले उसी ने कहा था ना कि परिवार की रक्षा के लिए एक इंसान जो भी करे वो ठीक है। आज परिवार के लिए जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक है। So, क्या हम आज अरेस्ट करेंगे उसे? नहीं, आज हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और कल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उसे अरेस्ट करेंगे। अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो आज ये दुनिया कुछ और ही होती। मिस्टर प्रभाकर, ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड के साथ जो ज्यादती हुई है उसका बदला है। दिस इज अ वॉर, या वॉर जो उसने शुरू की। हर इंसान जंग सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है और मैं भी। नहीं राजेश, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मां को बता देना। हाँ, मैं फिर कॉल करता। ठीक है। सुनिए ना, ये सब क्या हो गया? ये सब तो मैंने किया है। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था एक ना एक दिन ये होगा। इस सरिता को मैंने अपनी सगी बहन जैसे माना था और उसने मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे मुझे धोखा देगी। जाने दो, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। बच्चे सो गए क्या? नहीं बेटा, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? पापा, मेरी वजह से नहीं। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बस हिम्मत रखो। बेटा, जीवन में मुसीबतें आती जाती रहती हैं, ये भी चली जाएगी। जाना ही होगा। पापा, वो आपको कल अरेस्ट करेंगे। पता नहीं बेटा। अरे भाई, क्या हो गया यहाँ पे? राम बाबू को पुलिस अरेस्ट करने आई है। कोर्ट के साथ वाले गेस्ट हाउस में हूं। कीप मी पोस्टेड। ओके? श्योर सर। क्या हम कोर्ट से राम बाबू को अरेस्ट करने की परमिशन ले रहे हैं? नहीं, आज उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया है। कल हम पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, एविडेंस गैदर करेंगे, फिर चार्जशीट फाइल करेंगे। दैट्स इट, गेम ओवर। सर, आपसे विनय चंद्र मिलने आए हैं। कौन? सिनेमा राइटर विनय चंद्र सर। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आपसे राम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। अंदर भेजो उन्हें। आइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम विनय चंद्र है। जी, आपकी फिल्म्स देखी है मैंने। प्लीज बैठिए। यह गीता और यह प्रभाकर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आजकल आप सिनेमा में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। मेरी पत्नी के देहांत के बाद थोड़ा गैप हो गया। ओह आई एम सॉरी। वैसे भी अब फिल्म्स बनाने का तरीका बहुत बदल गया है। सच कहूं तो अब मैं आउटडेटेड हो गया हूं। जब मैंने सिनेमा से ब्रेक लिया तो राम बाबू मेरे पास आया था। कभी? शायद 3 साल पहले सर। क्या आपको इस केस के बारे में नहीं पता था? पता था। तो क्या आप उसे पहचान नहीं पाए? लगता है तुम्हें कहीं देखा है। हमारी शूट पर कई बार मुलाकात हुई सर। कई बार तो फिल्मों को लेकर डिस्कशंस भी हुए। तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। ओ अच्छा, तभी फैमिलियर लगे। क्या बात है सर, आप सैकड़ों सिनेमा लवर्स से मिलते होंगे। मैं भी फिल्म्स के लिए पैशनेट हूँ। मेरे पास एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपको सुना दूं। और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। कहानी सच में अलग थी। मुझे कहानी अच्छी लगी तो मैंने हाँ कह दी। उसने कहा वो खुद उसे प्रोड्यूस करेगा। उसने मुझे 1 लाख एडवांस दिए, लेकिन उसने कहा कि जब हम फिल्म के फाइनल ड्राफ्ट से सेटिस्फाई होंगे तभी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। पॉपुलर हीरो हीरोइन डायरेक्टर लेने थे और मेन कैरेक्टर्स के लिए नए फेसेस को चांस देने की बात की थी। हम कहानी के हर सीन को डिस्कस करते थे। स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया था। स्टोरी रिसर्च और डिस्कशन में हमारे घंटों डिस्प्यूट हुआ करते थे। राम बाबू को अच्छी सिनेमा सेंस है। स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। कहानी क्या थी? मैं आपको सिनॉप्सिस बताता हूँ। कहानी विजयनगर में शुरू होती है। कृष्णमूर्ति एक बिजनेसमैन है। अमृता उनकी पत्नी है और उनका एक इकलौता बेटा है आदित्य। कॉलेज स्टूडेंट है। सुनो, मैं तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजता हूँ, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं भेजता। कॉलेज में उसका विरोधी है महेश, एमएलए का बेटा। और कॉलेज पॉलिटिक्स में आपस में लड़ाई होना आम बात है। एक दिन कॉलेज में दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाप के दम पे उल्टा मत कर दे। उसकी इतनी सिक्योरिटी से चौड़ा होता है। हिम्मत है तो अकेले आके मिल। अकेला ही आऊंगा मैं, अकेला ही आऊंगा। बोल कहां ना दे, बोल कहां ना, बोल हां ना आऊंगा। और उस दिन जब आदित्य के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, अपनी बात साबित करने और आदित्य को धमकाने महेश उसके घर पहुंच गया। दोनों लड़कों में कहासुनी ज्यादा हो गई और महेश की डेथ हो गई। महेश की डेड बॉडी के पास बैठकर आदित्य रो रहा है और तभी वहाँ कृष्णमूर्ति और अमृता पहुँच जाते हैं। आदित्य घबराया अपने बाप के पैरों में गिर जाता है और सब कुछ बता देता है। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा प्लीज, पापा मुझे बचा लो, प्लीज पापा मुझे बचा लो, पापा प्लीज। जो मरा था वो एमएलए का बेटा था और ये उसके परिवार के लिए खतरनाक था। इसलिए महेश ने डेड बॉडी को चोरी छुपे कृष्णमूर्ति एमएलए के अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस में दफना दिया। ये फर्स्ट हाफ है। कृष्णमूर्ति को पता है कि एक ना एक दिन पुलिस को बॉडी मिल जाएगी, इसलिए वो खुद को कातिल साबित करने के लिए सबूत प्लांट करने लगता है। किस तरह से वो इस दौरान पुलिस के डर में जिया है, इसी के ऊपर सेकंड हाफ बेस्ड है। पुलिस को जब महेश की बॉडी मिलती है तो कृष्णमूर्ति कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर लेकर जेल चला जाता है। यह है क्लाइमैक्स। मतलब राम बाबू अपनी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाने वाला था, या उसे पहले से ही पता चल गया कि ये सब कुछ होने वाला है? तो आप दोनों 2017 में मिले थे। 2 साल आपको स्क्रिप्ट रेडी करने में लगे, तो आपने अभी तक शूटिंग शुरू क्यों नहीं की? हो सकता है उसे डर हो कि फिल्म रिलीज होने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेगी। नहीं सर, हम क्लाइमैक्स से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उसने कॉपीराइट प्रोडक्शन के अंडर नॉवेल पब्लिश की थी। कब? 3 महीने पहले। नॉवेल मार्केट में अवेलेबल है? हाँ, पर ज्यादा कॉपीज नहीं है, वो सिर्फ कॉपीराइट के लिए थी। राइटिंग क्रेडिट किसका है? मेरा। पेमेंट किसने की थी? राम बाबू ने ही की थी, पर बिल्स रिसिप्ट मेरे नाम पर है। आपका पेमेंट? इस मामले में राम बाबू कुछ एक्स्ट्रा डिसेंट था। मुझे पेमेंट्स उसने 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी। चेक या बैंक ट्रांसफर्स? पेमेंट्स मैंने कैश में ही ली, पर सब कुछ व्हाइट में था। ओके ओके ओके। आपने कहा आप लोग क्लाइमैक्स से सैटिस्फाइड नहीं थे, तो फिर फर्दर डेवलपमेंट्स? क्लाइमैक्स के लिए हमने कई तरह की सिचुएशन डिस्कस की। प्रताप सर, एक अर्जेंट मैटर है। बोलो। व्हाट? दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, जब पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं रहा तो उन्होंने सहारा लिया कस्टोडियल कन्फेशन का। एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल। मेरे क्लाइंट को पीटा गया, धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया ये स्टेटमेंट देने के लिए। ये सच है? जी। ये अब अपना बयान ऐसे कैसे बदल सकता है? बयान बदलने दो प्रभा, अब वो बिल्कुल नहीं बचेगा। I fear it is the beginning of something. Your Honor, हमारे पुलिस की कस्टोडियल वायलेंस तो ऑस्कर लेवल के रेंज की है। अगर ऐसी कोई कैटेगरी होती तो हमारी खाकी वर्दी के कलाकारों को उसका हाईएस्ट अवार्ड मिलता। पुलिस की थियोरी के हिसाब से राम बाबू ने फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर इस क्राइम को किया है। असल में इंस्पायर्ड राम बाबू नहीं, हमारी पुलिस है। जो कन्फेशन पुलिस ने राम बाबू का सबमिट किया है वो असल में 3 महीने पहले पब्लिश हुई आंखें यानी इस नॉवेल के हीरो का सेम टू सेम कन्फेशन है। ये कैसे हो गया? यानी उसने अपना खेल शुरू कर दिया। Did you expect this? No. Like he said, it's just a beginning. स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद वो एक दिन मेरे घर पर आया। मैंने काफी लोगों से स्क्रिप्ट डिस्कस की सर, कहानी सबको पसंद आई पर किसी को भी क्लाइमेक्स में हीरो का हारना पसंद नहीं आया। हीरो को जीतना होगा। हीरो अगर जेल गया तो उसका और उसकी फैमिली का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पर हमारे हीरो ने क्राइम किया है, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। कानून के हिसाब से आप ठीक कह रहे हैं पर असली न्याय तो उसे इस गिल्ट के साथ जीने देने में है। सारी जिंदगी वो डरेगा, खुद से नफरत करेगा और यही उसकी सजा होगी। ये भी ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है सर, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन में आपकी हेल्प चाहिए, फिर सब वर्कआउट हो जाएगा। ये कहानी अगर विजयनगर में हुई होती और अगर स्केलेटन मिल जाता तो पुलिस प्रोसीजर क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने अपनी पहचान के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की और उसने सारी डिटेल्स निकाल ली। उसके आधार पर राम बाबू एक अलग क्लाइमैक्स लेकर आया पर उसमें कई रिस्क एलिमेंट्स थे। मैंने उसे बताया तो उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्लाइमैक्स क्या था? असल में उसी के डर से मैं यहाँ आया हूँ। योर ऑनर, मिसिंग वरुण का स्केलेटन पुलिस स्टेशन में मिलता है और इस केस का जो प्रत्यक्षदर्शी है जनार्दन, वो मर्डर केस में सजा काट चुका है। अ हाईली इम्प्रॉबेबल एंड सस्पिशियस चांस विटनेस। योर ऑनर, मेरे ख्याल से इस केस में बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। वरुण मेरे क्लाइंट की बेटी के प्यार में था। समाज और लोगों के डर से उसके पेरेंट्स ने उसे अपोज किया होगा तो वरुण गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया होगा। नफरत और गुस्से की आग में जल रही वरुण की माँ यानी हमारी एक्स आईजी गीता प्रभाकर जी ने मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली के साथ अमानवीय हिंसा की, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है और फिर एक दिन वरुण का स्केलेटन पुलिस को कहीं से मिल जाता है। पर अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट की नजरों में, पब्लिक की नजरों में गुनहगार बन जाता है। इसी बीच पुलिस को ये नॉवेल मिलती है और वो बुक का आइडिया कॉपी करके राम बाबू को फंसाने की कोशिश करते हैं। राम बाबू के ऑफिस के साथ वाले पुलिस स्टेशन में वरुण का स्केलेटन मिलता है, ऐसी कहानी बनाई जाती है। उन्हें लगा कि पुलिस स्टेशन उनके कंट्रोल में होने की वजह से बाहर लोगों को सच का पता नहीं चलेगा। इनके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आने वाले क्रिमिनल को आई विटनेस बना के पेश कर देते हैं। असल में यही सच्चाई है योर ऑनर। नाइस नरेशन योर ऑनर। माय फ्रेंड लॉयर रेणुका कल्पना की दुनिया से बहुत ही कमाल की कहानी को गढ़कर लाई है। मिस्टर पीपी, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एज पर डीएनए रिपोर्ट ये स्केलेटन वरुण का नहीं है। नो! व्हाट वाज द डैम क्लाइमैक्स? क्योंकि वो जानता था एक ना एक दिन पुलिस को यह पता चल ही जाएगा कि बॉडी कहां पर दफन है। हमारा हीरो खुद को आने वाले उस पल के लिए तैयार करने लगता है। उसी एज ग्रुप के लड़कों को तलाश करना शुरू कर देता है जिनकी मौत सर पर चोट लगने से हुई हो, और 2 साल बाद उसकी कोशिश कामयाब होती है। हालेलुया। लड़के की अंतिम क्रिया पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है। वो उससे जान पहचान करता है, उससे रोज मिलना जुलना शुरू करता है, दोस्ती बढ़ाता है और उसे बातों बातों में ये पता लगाता है कि बॉडी स्केलेटन में कितने टाइम में बदलती है। वो उस गरीब आदमी की पैसों से मदद करना शुरू करता है और उसे अपना ऋणी बना लेता है। फिर 2 साल बाद जब वो बॉडी स्केलेटन में बदल जाती है, फिर सही मौका देखकर अपने किए एहसानों के बदले वो स्केलेटन उससे मांग लेता है। अगर स्केलेटन विजयनगर में मिलता है तो वो उसे वीजैक मेडिकल कॉलेज भेजेंगे, जहां जेंडर आइडेंटिफिकेशन, एज और मरने का कारण ये सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट चेक करेंगे। कानून के हिसाब से ये सारे टेस्ट दिन में होने चाहिए। उसके बाद वो उसे डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजेंगे। पुलिस प्रोसीजर को समझने के बाद हीरो फॉरेंसिक लैब पहुंचता है, जहां उसकी नजर सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है। वो उसे फॉलो करना शुरू करता है, पहचान बढ़ाता है। इसी बीच वो उसको और जानने की कोशिश करता है। ये एक्टर बनना मेरा सपना है। अपनी फिल्म में मुझे मौका दीजिए ना भैया। ओके। आइए भैया। यहाँ कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगा ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गाड़ी में पीने से ज्यादा सेफ यहाँ पर है। आओ, रात को बस मैं और मच्छर हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। आओ ना। अब मैं एक छोटा बना दूँ? छोटा सा है? नहीं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ। और फिर उसको अपने विश्वास में लेकर वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। वक्त बीता और आखिरकार वो दिन आ ही गया। हेलो भैया। हाँ राजू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ भैया, मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है भैया, और वो बोतल साथ में ही है। ओके भैया। इस क्लाइमैक्स में बहुत सारे रिस्की एलिमेंट्स हैं। हीरो की अगर किस्मत अच्छी हुई तो ही वो बच पाएगा। फिल्म में चलता है सर, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हीरो ये कर दिखाएगा। पहले से हारे हुए इंसान को कोई और कितना हराएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है सर, क्या पता किस्मत उसका साथ दे दे। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी? मैंने पूछा था पर तब तक आई नहीं थी सर। वो अभी आई है सर। अपने आईजी को बुलवाइए, वो पास ही में एक गेस्ट हाउस में है सर। उनसे कहिए मेरे चैम्बर में आए, मुझे बात करनी है। यस सर। आपके क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाती है और वो भी पर्सनल सिक्योरिटी पर। मच ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। आपसे एक दरख्वास्त है कि अदालत पुलिस को ये निर्देश दे कि पुलिस याचिकाकर्ता और उसकी फैमिली को हैरेस ना करे, जैसे कि वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संपर्क कर रहे हैं कि इस अपराध से जुड़ी सारी कार्रवाई को रद्द किया जाए। But how is it even possible? एक साधारण सा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? कर सकता है सर। Let me tell you something friend to friend sir. पिछले 2 सालों में पुलिस डिपार्टमेंट इस मिशन में लगा हुआ था। Mind you, this is not an investigation but a re-investigation. इस केस में लोअर लेवल पर सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस हुई है सर। 80% ऑफ द केसेस इन दिस कंट्री इस सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस की वजह से फेल हो जाते हैं सर। And that man is a classic criminal and is scot free now. Thanks to all of us, sir. क्या है ये इंसान? इतने सालों के इंतजार के बाद भी किस्मत उसी के साथ है? Unimaginable. हम सच जानते हैं पर कुछ प्रूव नहीं कर सकते। असल में इन दोनों परिवारों को न्याय दिलाने का कर्तव्य हमारा ही है, पर हम बेबस हैं। आप ऑफ द रिकॉर्ड्स गौतम, अनसुलझे केसेस हमारे सिस्टम के लिए नए नहीं हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए चाहे वो कुछ भी कह ले, हीरो की उस लड़के के माता पिता के सामने अपना सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं होगी। उसे सारी जिंदगी प्रायश्चित करते रहना होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस क्लाइमेक्स में अभी एक ट्विस्ट और है। व्हाट? शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्व शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति। हो गया? आपकी अमानत आपको लौटा रहा हूं। आपको जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए माफ कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। गीता अपने परिवार को बचाने के लिए उसने कसम ले रखी थी। हम जीत नहीं सके, क्या अब हम इस सब को रोक नहीं सकते? It's like a case that is closed, but will never close. असल में हमने उस पर नजर नहीं रखी हुई थी, उल्टा वो हमें हजारों आंखों से देख रहा था। मैं ये बात शर्त से कह सकता हूं, इस डर से कि हम आगे क्या करेंगे उसने तभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। एक तरह से इससे बुरी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है।